मुंबई से इन पत्रों में लिखा हुआ है, मुंबई से, पूना से, भीलवाड़ा, दोसा, हरियाणा से लोग इस कथा को सुनने के लिए आए हैं। आसपास के क्षेत्र की सारी होटलें बुक हैं जिसमें आप लोग निवास कर रहे हैं। मैं रात्रि की बात को ध्यान में करते हुए आदरणीय मेंदोला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो रात्रि को यहाँ से निकल कर जा रहे थे और उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग सो रहे थे, तो उन्होंने तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को फ़ोन किया और कहा यहाँ बहुत भगत लोग सो रहे हैं, उनके लिए गादी और रजाई की व्यवस्था करी जाए। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय मेंदोला जी को, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसा विधायक भी जीवन में कम देखने को मिलता है। कहते हैं राजा जब निकले तो प्रजा की यही व्यवस्था देखने के लिए निकलना चाहिए कि उसको समस्या क्या है, और रात्रि के समय पर आप आए और यहाँ देखा और किसी किसी होटल के रूम तक खुलवा दिए कि वहाँ जाकर आप बाथरूम वगैरह यूज़ कर लेना, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय श्री रमेश जी मेंदोला जी को, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कथा करवा रहे हैं, शिव कथा बाँच रहे हैं और शिव कथा सुन रहे हैं। आप और हम तो केवल एक निमित्त हैं, निमित्त से ज्यादा और कुछ नहीं। जितनी देर बैठो शंकर को पाने का प्रयास करना। बाजार जाते हो तो बाजार में जाकर एक लक्ष्य बनाकर जाते हो कि मुझे ये चीज खरीदना है, मुझे ये कपड़ा लेकर आना है। घर से चली थी तो विचार कर कर चली थी कि मुझे आधा किलो चने की दाल लाना है, आधा किलो चावल लाना है, आधा किलो दाल लाना है, मुझे ये सामान लेकर आना है। उसी तरह जब आप अपने घर से निकलो तो एक लक्ष्य बनाकर निकलना कि मुझे, मैं कथा में जा रही हूँ और मैंने सुना है कि कथा सुनने वाले का 3 महीने में बाबा भंडार भर देता है, तो मेरा भी भरेगा, मैं जाऊँ उसको श्रवण करने। मेरे शंकर को मुझे पाना है, मेरे शंकर को मुझे लेकर आना, मेरा शिव मेरे साथ होना चाहिए, मेरा ओघड़दानी मेरे साथ होना चाहिए। शंभो शरणे पड़े मांगू दुख दया करी ने दर्शन तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। शंभु शरणे पड़ी सब गई मांगू घड़ी दुख दया करी ने दर्शन। माहिल्या बाई चारों तरफ से जब इस मालवा को घेर लिया था, ससुर को मरे हुए मात्र 12 दिन हुए थे। कितने दिन? मात्र 12। केवल 12 दिन। अब जरा विचार करिएगा, 12 दिन मात्र ससुर को मरे हुए हुए और मस्तिष्क पर कितनी चिंता होगी पति के जाने के बाद जब ससुर चला गया होगा। घर में कोई पुरुष का भाव नहीं था। श्री तुकोजी राव जी को जब बिठाया गया था तो ये दत्तक पुत्र थे, गोदी आए हुए। कितनी चिंता होगी। आप कहते हो गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े तकलीफ में, पर भगवान से निवेदन करना कि आप बहुत सुखी हैं। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो पलंग पर पड़े हुए हैं और मौत को मांग रहे हैं कि हमें मृत्यु आ जाए, और भगवान मौत भी नहीं दे रहा।
दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो शरीर से ऐसे हो गए कि भगवान से कह रहे हैं अब उठा ले, अब बनता नहीं है, तो भी भगवान मृत्यु तक नहीं, कम से कम आप पर मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा है जो आप अपने पाँव से चलकर शिव कथा तक आए हो। ये शंकर ही तो करुणा करा है। शिव की करुणा नहीं तो और क्या है। इतना बड़ा डूम लगाया, वहां तक भर गए, यहां से लेके वहां तक भर गए, यहाँ तैयारी हो रही थी, अब इनके सोचने में पड़ेगा, अभी इनको बिठाए का भी तो बांसी लगा है, वो में ही फंसा पड़ा है। तो ये व्यवस्था है। शिव बुलाया है आपको, किसी बुलाया किसी ने नहीं, शंकर सुनाने वाला है वो। तो मेंदोला जी सीहोर पहुंचे और बाबा ने कृपा कर कर कथा दी है, शंकर ही लेने गए थे शंकर की कथा को, इसलिए हो रही है, बाबा करा रहा है। पर आपका प्रेम शिव के प्रति, समर्पण शंकर के प्रति। अकेली पड़ गई मां अहिल्या, विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया माता अहिल्या ने, और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर माता अहिल्या ने एक प्रश्न किया है विद्वान ब्राह्मणों के सामने कि ब्राह्मण देवता, मैं आपके चरणों को नमन करती हूं, आज मेरे ससुर का 12वां दिन है, अब राजघराने को मुझे संभालना पड़ेगा, पर मैं जानती हूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं जानती हूं मैं इस काबिल नहीं हूं। गुरुजन के सामने, ब्राह्मण जन के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने कभी मत कहना कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। कभी मत कहना। गुरुजन के सामने शून्य बनकर जाना कि मुझे कुछ नहीं आता। घर के बड़ों के सामने जाना तो शून्य बनकर जाना कि मुझे कुछ नहीं आता। जो ज्यादा समझदार बनकर जाता है ना, सबसे ज्यादा काम उसी को संभालना पड़ता है। घर में दो तरह की बहू होती है, एक समझदार एक पगली। आप उसमें से कौन सी हो हमको नहीं मालूम, पर कल कथा में हमने कहा था कि जितने भी बैठे हैं सब पागल ही हैं, तो पगली बहू हो गया। दो तरह की बहू होती है घर में, एक समझदार एक पगली। जो समझदार बहू होती है ना, घर में शादी आती है तो सारा काम वो संभालती है। मम्मी जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, मामा जी आया कि नहीं आया, काका जी ने भोजन करा कि नहीं करा, अभी तक फूफा जी तो आए ही नहीं, बेचारी काम में लगी रही लगी रही लगी रही लगी रही, और उधर बैंड बाजा बजता रहा, लोग माता पूजने चले गए, और ये घर में ताला कूची लगाती रह गई। बेचारी काम करते करते चाबी लेके दौड़ी, फिर याद आया कि पूजन में माता जी की चुनरी तो घर में रह गई, फिर भागी, फिर चुनरी लेके आई। ये समझदार थी ना, इसलिए बार बार इसको जाना पड़ रहा, समझदार थी ना इसलिए बार बार काम करना पड़ रहा। और एक घर में बहू ऐसी होती है जिसमें अकल नहीं होती है। लोग कहते हैं हमारी छोटी बहू में तो बिल्कुल अकल नहीं, ये तो पगली है। जो पगली है वो माता पूजन में सज धज के खजूर वाली चोटी बना के नाचे कूदे एंजॉय करे, सबसे ज्यादा एंजॉय वो ही करती है जो पगली होती है। अब तुम कौन सी हो? जो ज्यादा समझदार होता है उसको सारा काम करना पड़ता है, और जो पगली होती है सबसे पहले, जो समझदार बहू बिचारी काम में लगी रहे, मेहंदी लगाने तक की फुर्सत नहीं, और जो पगली वो सबसे पहले लगा दो। अच्छा वो मेहंदी वाली भी क्या यहीं तक लगा दूं जी जी? पगली और पार्टी में भी सबसे पहले जाके पूरा स्टाल निपटा दे, जितना स्टाल लगा था नहीं सब। और इतने में दो बहनों तो बात ही करे, बताओ जीजी देख तो तरी तेरी छोटी बहू को तो देख कितनी खाने में लगी है। इतने में सास बोले मेरी बड़ी बहू बहुत समझदार बिचारी, दिन भर काम करी है, तो सही में पगली है, सब दूर खा रही, एक से नहीं पूछा कि तुम खाओगा, अब किससे पूछो।
किससे पूछे? श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है जड़ भरत का चरित्र। यदि शबदेव जी महाराज के यहाँ भरत हुए और भरत जी के जब प्राण छूट गए फिर नाम हिरण की योनि मिली, हिरण की योनि से छूटे फिर मनुष्य की योनि मिली। श्रीमद् भागवत कहती है मनुष्य की योनि मिलने के बाद में उनका नाम पड़ गया भरत। एक बार बड़े भाई ने कहा जा खेत पे से चिड़िया उड़ाना, चिड़िया उड़ाने गया, मन में आ गया राम जी का खेत, राम जी की चिड़ैया कौन उड़ाए, तो बड़े भाई ने लात मारकर भगा दिया। ये तो पगला है, ये तो पागल है, मूर्ख है, और उसी का नाम कह दिया ये जड़ भरत है। नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मतलब पागल, पागल मतलब प्रमोशन, समझदारी मतलब डिमोशन। ये समझदार है, ये पगला। घर के लोगों ने कह दिया ये पागल है। और भरत जी महाराज पागल बनकर भगवान की भक्ति में लग गए। लोगों ने मीराबाई को पागल कहा, मीरा भाई रे बावरी, बावरी मतलब पागल। लोगों ने संत तुकाराम जी को पागल कहा, संत तुकाराम। संत नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा। रामकृष्ण परमहंस जी तो प्रवचन देने बैठते थे और प्रवचन देते देते रामकृष्ण परमहंस जी प्रवचन देते 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 याद आ जाती थी कि भजिया खाने जाना है, तो हजारों पब्लिक को छोड़कर घर में चले जाते और भजिया खा के आ जाते। स्वामी विवेकानंद जी ने पांव पड़कर कहा गुरुदेव इतने लोग तुम्हें सुनने के लिए बैठे हैं, भजिया तो तुम बाद में भी खा सकते थे, ऐसी क्या जरूरत थी कि कथा छोड़कर तुम भजिया खाने गए। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा स्वामी विवेकानंद जिस दिन मैं भजिया नहीं खाऊं उस दिन समझ लेना कि मैं निपट गया। तो रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने कहा आपकी भजिए में इतनी आसक्ति है, भजिया इतना पसंद है आपको? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा भजिया पसंद नहीं है, प्रवचन करते 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 मेरा मन माँ जगत जननी जगदम्बा में समा जाता है, उस मन को लाने के लिए मुझे भजिया याद करना पड़ता है, इसलिए पृथ्वी पर जीवित बना रहता हूं। ये संत हैं, लोगों ने इनको पागल कर दिया। रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कर दिया, संत तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा। नामदेव जी के घर में लग गई आग, नामदेव जी ने दूसरा भी दरवाजा खोल दिया, अग्नि देवता से कहा इसमें भी घुस जाओ, जा आग लगा दो, कुर्सी रखी इसमें भी जला दो। गांव के लोग तो पानी डाल रहे और नामदेव जी आग लगा रहे। गांव के लोगों ने कहा नामदेव जी हमने तुम्हारे लिए गादी दो कम्बल एक तकिया बचा लिया, ठंड का समय है, रात को सोओगे कैसे? नामदेव जी ने कहा कहाँ है? तो कह ये रिया। गांव के लोगों से लेकर नामदेव जी ने कहा लो अग्नि देवता तुम ही सो लो, और अग्नि देवता को दे दिया वो कम्बल गद्दा भी। गांव के लोगों ने कहा ये तो पगला है, बताओ इसके लिए बचा के रखा था इसने और आग लगा दिया। गांव के सरपंच ने कहा आज रात्रि को नामदेव को कोई कम्बल मत देना, कोई गादी मत देना, इसको ठंड में कांपने दो, पड़े रहने दो इसको। नामदेव जी महाराज रात को आम के पेड़ के नीचे ठंड में कुकड़ के पड़े हुए थे। इतने में भगवान को लगा कि मेरे नामदेव ने अग्नि में भी मेरा दर्शन करा है, मेरे नामदेव ने अग्नि में भी मुझे देखा है। तो तुरंत मेरे नारायण रात्रि को आए, नामदेव को गादी तकिया लगाकर मखवल के गादी पर तकिए पे सुलाकर चले गए और पूरे सुंदर झोपड़े का निर्माण कर दिया, सुंदर भवन का निर्माण कर दिया, बहुत सुंदर भवन का निर्माण करा। रात्रि के बाद में सुबह सुबह गांव के लोगों ने विचार करा जरा चल के देखते हैं कि नामदेव की हालत क्या है, जिंदा है कि मर गया। जाके देखा तो नामदेव तो मखवल के गादी तकिया पे सो रहा है, सुंदर झोपड़ी बनी, इतनी सुंदर कि किसी ने देखी नहीं थी, इतनी सुंदर बनी। सारे गांव के लोगों ने कहा नामदेव जी तुम्हारी ये झोपड़ी किसने बनाई? नामदेव जी बोले पता नहीं परंतु हमारा कोई रिश्तेदार आया होगा। सारे गांव के लोग बोले नामदेव जी हाथ जोड़ के निवेदन है एकाद मकान ऐसा हमारा भी बनवा दो। नामदेव जी ने कहा लगाओ आग।
अपना अपना घर में आग तो लगा, अभी बन के तैयार। तुम आग लगाओगे, मकान तैयार हो जाएगा। लगाओ तुम आग। पागल का, संतों को पागल का, भगवंतों को पागल का, भक्तों को पागल का। यहां तक शास्त्र कहता है जितने कथा बाचने वाले ये भी पगले, और जो कथा करवाने वाले वो भी पागल, और जो सुनने वाले वो भी पागल। सब पागलों की गिनती में हो। समझदार तो वो हैं जो कथा में नहीं आए, 8 बजे से दुकान पे जाए, 11 बजे तक कमा 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 धर 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 रखते जाए, रखते जाए, रखते जाए, जोड़ 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 जोड़, आखिरी में सब यहीं छोड़। इतना बड़ा फोटो टेबल पे और प्लास्टिक के फूल की माला, और वो भी पंखे में हवा में डोले, इससे ज़्यादा कुछ। और पूरा जीवन बस कमाने में गवा दिया, पर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम कभी नहीं गाया। वो समझदार। और हमें भगवान भोलेनाथ जी से कह देना, हमको समझदार मत बनाना, हमें समझदार मत बनाओ, हमें तो आपकी भक्ति में, आपके भजन में, आपके स्मरण में हमें पागल बना कर रखो, हमें नहीं बनना समझ। हम आपकी भक्ति में डूबे रहे। गूगल पर, मोबाइल पर, गूगल पर रास्ता ढूंढा जा सकता है, गूगल पर रास्ता ढूंढा जा सकता है, पर मोक्ष गूगल पर नहीं ढूंढ सकते। मोक्ष तो शिव महापुराण में ही ढूंढा जा सकता है। केवल ये मोक्ष शिव महापुराण में ही ढूंढा जा सकता है। गूगल पर रास्ता ढूंढ सकते हो, पर मोक्ष नहीं। मोक्ष शिव महापुराण में ही ढूंढ सकते हो, मोक्ष शंकर की कथा में ही ढूंढ सकते हो। और मोक्ष ढूंढना है तो शंकर की शरणों में, शंकर के चरणों में जाकर, शंकर भगवान के चरणारविंद में पहुंचकर मोक्ष की प्राप्ति आप कर सकते हैं। शिव के चरणों में जाकर। इसलिए भगवान देव अधिदेव महादेव की प्रार्थना, देव अधिदेव महादेव से निवेदन, देव अधिदेव महादेव से विनती, ये सुख देने वाले। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा करा। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख दया करी ने दर्शन। भगवान से प्रार्थना कर सकते, उस शंभु से निवेदन कर सकते, फिर क्यों ना दे बाबा। क्यों ना कृपा करे मेरा शंभु, क्यों ना दया करे मेरा उघड़दानी। एक माता जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा,
गुरुदेव मेरा भतीजा जिसने लिखा है संगीता जी मोरे हैं ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा से आई हुई है, आप ही हो, हाथ हिला दीजिए। आपने लिखा है मेरा भतीजा हमेशा तोतला ही बोलता था, उसकी वाणी कभी नहीं सुधरी थी, पर दो सोमवार जो उपाय बताया गया था बेले का जो फल है उस फल के गुर्दे को निकाल कर, वही वाला करा होगा ना, उसमें पानी भरकर शंकर भगवान को चढ़ाकर उस पानी को पीना प्रारंभ करना था। बाबा ने ऐसी कृपा करी है, अपने पत्र में लिखा है कि दो सोमवार करने पर मेरे भतीजे की वाणी शुद्ध हो गई, तोतला बोलना बंद कर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको, बैठिए विराजी बैठिए, वाणी शुद्ध हो गई। देवाधिदेव महादेव की कृपा, एक एक माता जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है महाराज जी पत्र के अंदर, देखिए। सुनीता जी मीणा अकबरपुर जिला देवास नेबावर रोड से आई हैं, आप ही ने लिखा है, एक बार हाथ हिला दो जम के, हर हर महादेव। आपने लिखा है मेरी पूरी जमीन पर मैंने कई बोर लगवा लिए, कुएं खुदवा लिए, उस जमीन पर कोई पानी नहीं था, पर बाबा की कृपा ऐसी रही, केवल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर और जो उपाय आपने बताया था इस व्यासपीठ से वो कर बोर लगवाया, इतना पानी निकल गया कि मशीन भी अंदर जा नहीं पा रही थी, बाबा की कृपा। हर हर महादेव। विराजी विराजी बैठिए, बाबा की कृपा बनी रहे, शिव कृपा। जितने पढ़े हैं यहाँ रखें, जो नहीं पढ़े हैं यहाँ रखें, दोनों पत्र यहीं मिलेंगे, बाद में उठाकर आप पढ़ लेंगे, ठीक है। देवाधिदेव महादेव, आप जितना भाव रखकर, विश्वास रखकर, श्रद्धा रखकर भगवान की भक्ति करोगे, ये विश्वास मानिए कि आपको डोलना नहीं पड़ेगा, कहीं जाकर बोलना नहीं पड़ेगा, आप उसके चरणों में जाकर बस निवेदन करो, एक बार उसके पास जाकर उससे बोलो, तेरी सेवा में फूल ले आई उसे भवरा भी झूठा कराई, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। हे बाबा, हम आपसे बार बार बस यही प्रार्थना करते हैं कि जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, उसको काट दिया जाए, और वो कटेगा कैसे, तो भगवान की केवल भक्ति से। कैसे कटेगा? भगवान की भक्ति से। दुनिया के लोग जरा सी बात से आपको छोड़ देते हैं, थोड़ी सी बात हुई और दुनिया के लोगों ने आपको छोड़ दिया, जब जरा सी बात से दुनिया के लोग आपको छोड़ देते हैं, तो यह विश्वास मानकर चलना जरा सी प्रार्थना से शंभु आपको पकड़ सकते हैं, मात्र थोड़ी सी प्रार्थना, बहुत है उतनी प्रार्थना। हमें ढोंग नहीं करना, हमें ढकोसला नहीं करना, हमें दिखावा नहीं करना कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं या मैं बहुत बड़ी भक्तन हूं, हमें नहीं करना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, अपन तो एक लोटा पानी उठाया शिव जी को चढ़ाया। हाँ, अगर घर से पानी लेकर जा रहे हो तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। मंदिर का अगर पानी ले रहे हो, एक लोटा पानी अगर मंदिर का लिया है तो पहले एक रुपया आपको उस
गुल्लक में उस दान पेटी में डालना है कि इस दान पेटी में इसलिए क्योंकि लोटे का किराया, पानी का किराया ये सब देना पड़ेगा, तब जाकर उस पानी की महत्वता होगी, नहीं तो पानी की कोई महत्वता नहीं है। अपने पास का चढ़ाओ, अपने जल को आप आनंद में लेकर जाओ। भक्ति शिव कथा है, शिव कथा साधारण नहीं होती, शंकर की कथा में शंकर ही कहीं ना कहीं अमृत बरसा ही देता है, ये उसी की कृपा होती है, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं होता। जहां शिव है वहां गंगा है, जहां गंगा है वहां शिव है। शिव उपासना भगवान की अविरल भक्ति। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, मां अहिल्याबाई का चरित्र कह रहा है, इस मालवा की महारानी का चरित्र कह रहा है, और उससे हमें सीखना है कि हमें कभी हारना नहीं। जैसे बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया था और चंचुला देवी हारी नहीं, माँ जगत जननी से प्रार्थना कर शिव जी की भक्ति में लग गई और शिव महापुराण की कथा करवा ली। शंकर की कथा बाँचने वाले तुमरुका जी को बुला लिया, तुमरुका जी ने जब कथा कहना प्रारंभ करी तो उसमें तुमरुका जी ने विश्वास की कथा करी, विश्वास की कथा। भरोसे की कथा, विश्वास की। और वो विश्वास तुमरुका जी ने जगाया चंचुला देवी के हृदय में, वो विश्वास जागृत करा। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करना, अभी जब कथा चालू नहीं हुई थी दो दिन पहले तक, इंदौर का माहौल बहुत गर्म था, सूरज की किरणें बड़ी तपा रही थी, गर्मी भी भरपूर थी, पर बाबा की जब कथा चालू हुई है कल से, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कैलाश धाम में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि बाबा की कथा है कैलाश पर ही हो रही है, और कैलाश ही, और यहाँ तो यहाँ वर्णन किया गया है संरक्षक के रूप में भी कैलाश विजयवर्गीय है, इसलिए कैलाश तो बनना ही था। तो बाबा की कृपा, अभी तो कुछ हुआ नहीं, अब थोड़ी देर बाद हो सकता है बाबा कृपा कर दे, दो चार बूंद गंगा जी की भी टपका दे, तो कोई भरोसा नहीं हो आ गई क्या बस। तो फिर तो वो तो बाबा के हाथ में है, बाबा करने वाला और बाबा कराने वाला, उसके सिवा कुछ नहीं। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी सब गाइए आई हूँ मैं का
मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। सुनाए हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुनाए हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुनाए हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुनाए हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। हो उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आ हो।
ने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। नगरी आती हूँ उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आती हूँ। मेरे भोले बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। मेरे बोले
शिव की कथा कह रही है, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव चरित्र कह रहा है। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से जो कथा सुनी है वो एक विश्वास की कथा। शिव कथा किसी दूसरी चीज को प्रकट करे ना करे, पर शिव कथा भगवान के चरणों में विश्वास प्रकट करती है। शिव कथा भगवान के चरणों में विश्वास प्रकट करती है। शिव कथा का एक नियम है, आप अपने जीवन में उतार कर रखिएगा कि यदि एक लाल चंदन होता है एक पीला चंदन होता है, दो तरह का चंदन होता है। जैसे अगर हफ्ते में एक बार, कितने समय में जम के बोलो जरा, हफ्ते में एक बार प्रयास करा करो कि लाल चंदन का पानी हम शिवजी को समर्पित करें, और लाल चंदन का पानी अगर शंकर जी को समर्पित कर रहे हो तो शिव मंदिर में चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा पानी बचा हुआ किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करो, किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लाल चंदन का पानी थोड़ा समर्पित करें। जैसे अगर बच्चों का विवाह नहीं होता है, शादी नहीं होती है, तो अपन लोग क्या करते हैं कि भाई एक बेलपत्री का जो पत्ता होता है उस पत्ते के बीच वाली जो पत्ती होती है उस पत्ती पर अपन केसर को घिसकर, केसर को घोलकर उस पत्ती पर अपन केसर का तिलक लगा देते हैं, और केसर का तिलक लगाकर जिसका विवाह नहीं होता उसकी ये बीच वाली उंगली पर ये बीच वाली पत्ती को अंगूठे से टच कर उसको रख देते, उसका नाम और गोत्र बोलकर उस पत्ती को शंकर भगवान पर किसी भी प्रदोष के दिन शिव जी को समर्पित कर देते। बस इतना याद रखें कि इस पत्ती का जो मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए जब हम चढ़ाएं उस समय पर। केसर का तिलक लगाकर अंगूठे से उसको टच कर नाम गोत्र बोलकर जिसका विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, शिव जी को उसे चढ़ा दो किसी भी प्रदोष के, और किसी भी शिव मंदिर में आप उसको समर्पित कर सकते, किसी भी प्रदोष को किसी भी शिव मंदिर में आप समर्पित कर दीजिए। बाबा से निवेदन करिएगा, बाबा स्वीकार करेगा, और विश्वास है कि 3 महीने में बाबा उसका विवाह पक्का कर ही देगा, ये पक्का है। शिव स्मरण करने भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है, मेरे शिव का अनुमोदन कर रहा है कि शिव महापुराण विश्वास को जागृत करती है। शिव महापुराण विश्वास को जागृत करने का कार्य करती है। और जब विश्वास की जागृतता हो, जैसे देवऋषि नारद जी ने तप किया, साधना करी, देवऋषि नारद ने खूब तप साधना करी, और जब देवऋषि नारद जी ने तप साधना करना प्रारंभ करा, तप साधना के बल पर देवऋषि नारद ने काम को जीत लिया, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। काम तो जीत लिया, पर थोड़ा सा देवऋषि नारद ने जब कामदेव को जीता तो थोड़ा सा अभिमान देवऋषि नारद के भीतर प्रकट हो गया, थोड़ी सी अभिमत्ता देवऋषि नारद के भीतर आ गई। अब कोई बच्चा जब अच्छे नंबर से पास होता है ना तो सबसे पहले उसी के घर जाता है जिसकी सप्लीमेंट्री आती है, या उसके घर जाएगा जो फेल हो गया। देवऋषि नारद सबसे पहले अगर कामदेव पर विजय प्राप्त करे तो भगवान शंकर के पास गए, क्योंकि काम को जीतने में कामदेव को
जितने में शंकर भगवान के नेत्र खुल गए थे, कामदेव जलकर भस्म हो गया था, पर शंकर भगवान की समाधि टूट गई थी। भगवान ओघड़दानी की समाधि टूटी है, भगवान शिव की समाधि टूट गई। अब देवऋषि नारद ने जाते से ही सबसे पहले शंकर भगवान के पास में जाकर हर हर महादेव कहा, और हर हर महादेव कहकर शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ जी ने कहा, आओ नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, आपको मालूम नहीं, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। आप जानते नहीं? मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त करी, आप मुझे जानते नहीं हो क्या? भगवान शंकर ने मन में सोचा कि मेरे को तो मालूम था कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली, पर शंकर भगवान के सामने देवऋषि नारद ने एक शब्द कह दिया, जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। अब शंकर भगवान से कोई पूछे कि तुमने कामदेव को क्यों नहीं जीता, तो शंकर भगवान बोले, भैया ये रिश्तेदारी की बात है, रिश्तेदारी में हारना ही सबसे अच्छा काम होता है। बोलो सही है कि गलत है? अब जब दूल्हा दुल्हन का, बन्ना बन्नी का जब कंकन डोरा छोड़ा जाता है और उनको ऐसे कुछ पटक के पानी में, दूध की थाली में उनसे कहा जाता है, इसमें ये सामान पड़ा है ना, उठा। अब बेचारा छोरा जो होता है, लड़का जो होता है, वो तो बेचारा शर्मा शर्मी में रह जाए कि बेचारी अब इसी को उठा ले, तो दादा तू उठा ले, उठा ले। अब वो तो रह जाए, अब ये नहीं उठाए तो इसमें ये कैसे कह सकते हो कि छोरा ये जो है बेचारा सीधा साधा पड़ गया? छोरा सीधा साधा नहीं है, वो तो परिवार को लेकर चलना है, कुटुंब को लेकर चलना है, समाज को लेकर चलना है, इसलिए थोड़ा नम्र बनना जरूरी है। इसलिए उसको मालूम है कि अब मेरे को नम्रता रखना। शंकर भगवान से कोई पूछे कि तुमने कामदेव को क्यों नहीं जीता, भगवान विष्णु तक ने पूछ लिया था भगवान शंकर से, जब तुमने सबको जीत लिया तो कामदेव को क्यों नहीं जीता? तो शंकर भगवान ने कहा, नारद भगवान नारायण, आप तो जानते हो मैं सती का पति हूं, ये रति का पति है। सती और रति एक ही पिता की दो पुत्रियां हैं, सगी बहन है, ये मेरा साड़ू भाई है। अगर ये मेरे यहां आया था, मैं उठकर नहीं खड़ा होता तो घर जाता, तुम्हारी धर्म पत्नी क्या कहती कि तुम मेरे बहन का पति आया और उसका सम्मान नहीं करा? तो रिश्तेदारों के आगे कभी अहंकार की बात नहीं करना, संबंधों की बात नहीं करना, रिश्तेदारों के आगे तो ये से बनकर चलना कि सादर। जैसे कहते ना, चार लोगों को समझाना सबसे कठिन काम, पहला अपने पड़ोसी को, दूसरा अपनी पत्नी को, तीसरा अपने पति को, उसकी मर्जी पड़ेगी वही करेगा, चौथा अपने पुत्र को। आप दुनिया भर में सबको ज्ञान दे दो, कितई समझा दो, पर अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी इनको नहीं समझा सकता। वो बेचारा बाहर कितना भी सत्ता दिखाए ना, घर जाए ना तो तुरंत कह रहे, मेरे से फालतू बात करना मत, समझा दे रही हूँ मैं तुरंत, वो की क्या कितना ही समझा। शंकर भगवान तक नहीं समझा पाए थे सती मैया को। अगस्त ऋषि की यहां कथा सुनकर आए, कुंभज बाबा की यहां कथा सुनकर आए, और कुंभज ऋषि की यहां जब कथा सुनने के लिए गए, कुंभज बाबा के चरणों को भगवान शंकर ने जाकर प्रणाम करा, सती मैया से कहा नमन करो। सती जी पूछती हैं, मैं और अगस्त ऋषि को प्रणाम करूं? मैं आपकी अर्धांगनी, मैं देवाधिदेव महादेव की पत्नी हूं, मैं कैसे नमन कर सकती हूं? शंकर भगवान कह रहे हैं, ये अगस्त ऋषि हैं, कुंभज ऋषि हैं, संत हैं, ब्राह्मण हैं, गुरुजन हैं, इनको प्रणाम करो। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा। सती को लगा कि ये कथा वाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो हम काय को प्रणाम करें? कथा बाचने वाले कुंभज ऋषि ने शंकर और सती को प्रणाम किया था, नमन किया था, क्योंकि अगस्त ऋषि को मालूम है बाचने वाले से बड़ा होता है, जम के बोलो, सुनने वाला। सुनने वाला इसलिए बड़ा होता है क्योंकि सुनने वाला जमीन पर बैठता है, जमीन पर बैठता है तो जो जमीन पर बैठे और जिसके पास जमीन ज्यादा हो उसको लोग जमींदार कहते हैं। तो तुम सब तो हो जमींदार। कथा बाचने वाला चार पाए की चौकी पर बैठता है इसलिए बेचारा चौकीदार। तो जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार बड़ा होता है? जम के बोलो,
जमींदार बड़ा होता है क्योंकि उसकी मर्जी पड़ी तो पड़ी, बैठा तो बैठा, नहीं तो उठ के वो जाए, वो तो जा रहा है। और जमींदार की मर्जी, कहीं कहीं का पांव भी लंबा कर ले, और कहीं कहीं का जमींदार तो इतना होशियार रहता है जेब में से निकाल के मल भी ले, वो की मर्जी। और जैसे ही बीच में भजाना है तो फटकी भी दे रहे, और जैसे ही महाराज जी बोले हार हार, वो तो जमींदार है उसकी मर्जी। पर बेचारा चौकीदार तो जो बैठा पाँव वाँव जोड़ के हाथ पैर जोड़ के कि 3 घंटा भी एक जगह बैठना है, कथा बाँचना है, बच तो जमींदार वड़ा की चौकीदार, जमींदार वड़ा। राष्ट्र के 2 चौकीदार हैं, एक भारत की बॉर्डर पर बैठे हैं, जिनके हाथ में हथगोले बंदूकें हैं, जो भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं। और भारत के 2 चौकीदार हैं, एक भारत की बॉर्डर पर बैठे हैं हथगोले बंदूक लेकर, और दूसरे हैं भारत के संत महात्मा कथाकार, जो हाथ में रामायण गीता और भागवत लेकर, शिव महापुराण लेकर बैठे हैं। वो भूमि की रक्षा कर रहे हैं, ये सभ्यता और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, ये भी चौकीदार। चौकीदार की पदवी कोई साधारण नहीं होती महाराज, बहुत प्रबल पदवी होती है, बहुत प्रबल पदवी, कोई साधारण हो सकता है? भगवान शंकर ने कहा, आपने कामदेव को जीता उसके लिए आपको प्रणाम करता हूं, शिवजी ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतारकर देवऋषि नारद के गले में पहना दी। देवऋषि नारद के गले में जैसे रुद्राक्ष की माला गई, नारद जी ने धारण करी, और उस रुद्राक्ष की माला को पहनकर देवऋषि नारद से भगवान शंकर बोल रहे हैं, आप कुछ देर बैठोगे नहीं, यहाँ पर विराजमान नहीं होगे। नारद जी मन में सोचे कि मैंने काम को जीता और ये काम को हार गए, तो मैं इनके यहाँ बैठूंगा। नारद जी के कहने पर, भगवान शिव के कहने पर नारद जी नहीं बैठे और उठकर चल दिए, बाहर निकले, रुद्राक्ष की माला उठाकर जमीन पर पटक दी। जैसे ही भूमि पर पटकी, पटकने के बाद वहीं से नंदी निकल कर जा रहे थे, नंदी ने उस माला को उठाकर देवाधिदेव महादेव से कहा, बाबा ये आपके गले की माला? हाँ बाबा, आपके गले की माला और यहां पड़ी है? भगवान शिव ने कहा, नंदी जब देवता के गले की माला भूमि पर पड़ जाए और जिसके माध्यम से पड़ जाए, समझ लेना उसकी उन्नति हो नहीं सकती, आप चिंता मत करो। हम कई बार इस व्यासपीठ से बार बार निवेदन करते रहे हैं कि बड़े से बड़े, कई बार बहुत बड़े बड़े मंदिरों में लोग जाते हैं, भगवान के गले की माला उतार कर अपने गले में डाल देते हैं, अपन उस गले की माला को निकाल कर गाड़ी पर डाल देते हैं, गाड़ी पर डली, उसकी पत्तियां बिखरते बिखरते जमीन पर जाती है, उसका दोष है। शिव महापुराण में, विष्णु पुराण तक में कहा है, दुर्वासा बाबा भगवान का दर्शन करने गए, नारायण के गले की माला आ गई, इंद्र को पसंद आ गई, इंद्र को दे दी, इंद्र को पसंद माला वो एरावत को दे दी, एरावत ने वो माला जमीन पर पटक दी, श्राप दे दिया, रे इंद्र भगवान के गले की माला भूमि पर पड़ी है, इसलिए तुझे सत्ता के विहीन होना पड़ेगा। और महाराज, राजा बलि की सत्ता स्थापित हो गई, इंद्र को सत्ता छोड़ना पड़ी, केवल वो देवता के गले की माला गई, देवता के गले की। हम बार बार निवेदन करते हैं, भगवान की कोई वस्तु, भगवान पर चढ़ा हुआ निर्माल्य, एक बेलपत्री भी अगर शिव मंदिर जा रहे हो, वो प्राप्त हुई है, या तो उसको संभाल कर रख लो, नहीं रख से बनाए तो उसको विसर्जन कर दो, पर कहीं पाँव में ना आए उसका विशेष ध्यान रखिए, कहीं पाँव में ना आए। भगवान पर चढ़ा, आज देवऋषि नारद ने जो रुद्राक्ष की माला फेंकी है, उसका भोग नारद जी को भोगना पड़ेगा। और नारद जी यहां से सीधे जब जाने लगे तो भगवान शंकर ने कहा, सुनो नारद, रुको जरा, एक बात और अच्छे से सुनकर जाओ, जो तुमने मुझसे कहा वो महादेव की बात, अब ये भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी को लगा, एक तो मैं अच्छे नंबर से पास हो गया, ऊपर से कह रहे हैं कि किसी को बताया भी ना जा कि मेरे इतने परसेंट आए। भगवान ने खूब समझाया देव ऋषि नारद को, पर नारद कहां समझ, कहां समझे। एक विद्वान पंडित अपनी पत्नी से कहे, सुनो कल एकादशी है, व्रत कर लेना। पत्नी विश्वास नहीं करेगी, पहले पड़ोसन से पूछ के आएगी, क्यों तू एकादशी कब कर रही है,
विद्वान है बेचारा, इतना विद्वान की लोग उससे पूछ रहे हैं, पर वो भी पड़ोसन से पूछ रही, तू बता एकादशी कब करे। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो हड़तालिका तीज के व्रत में, तू कब करेगी। हड़तालिका तीज का व्रत और माताओं का पूरे मोहल्ले में घूमना, तू कब करेगी, तू कब करेगी। और शंकर जी भी उस दिन इतने व्यस्त रहते हैं, शंकर भगवान से पूछा जाए आज अब कैसे हो, शिव जी बोलते हैं बस मस्त हूँ, पूछो ही मत ही बस। और चारों तरफ से माताएं शंकर जी को घेर लेती हैं, नीचे पाटे पर थाली में शिवलिंग और उसकी पूजन, और पूजन के साथ में फिर शंकर जी पे चढ़ाई हुई सारी वस्तु, सब चढ़ाते जा रहे चढ़ाते जा रहे चढ़ाते जा रहे। भोलेनाथ जी आराम से बैठे, साथ में पार्वती जी भी बैठी। पार्वती जी बोल रही हैं भोलेनाथ बहुत कुछ चढ़ा दिया गया है, वजन लग रहा होगा। शंकर जी बोले फालतू बात मत करो, सुबह 4 बजे तक ऐसी बैठी रहो, इसके खिलाफ में तो बोलना, अपने को नहीं बोलना बिल्कुल। 4 बजे तक बहुत अच्छा हुआ कि पोथी में सब कुछ लिख दिया कि ये चीज चढ़ाना, नहीं तो इनका मन पड़ता तो कद्दू लेके आ जाती बड़ा सारा, वो भी चढ़ा के चली जाती, बड़ा गजब का। सबसे ज्यादा आनंद शंकर जी से पूछा जाए कौन से दिन आता है, तो शिव जी कहेंगे मुझे हड़ताली का तीज बड़ी पसंद है। शिव जी से पूछा वो क्यों, पार्वती जी ने जो तप करा था, साधना करी थी, उपास करा था, व्रत करा था, पार्वती जी ने ऐसा व्रत करा, ऐसा तप करा, ऐसी साधना करी, उस व्रत से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। सबसे ज्यादा प्रसन्न मेरे शंकर हड़ताली का तीज के दिन होते, सबसे ज्यादा प्रसन्न। और माताओं से निवेदन रहा है, बार बार कहते हैं आप अगर हड़ताली का तीज का व्रत नहीं भी करते हो तो भी 5-6 वृक्ष की 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर हड़ताली का तीज के दिन शंकर भगवान को समर्पित कर दो, शंकर जी उस व्रत को स्वीकार कर लेते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं मेरे दिल। शिव की प्रसन्नता है हड़ताली का तीज का व्रत। सबसे सरल देव एक ही है, कौन से है जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव, बहुत सरल। बाकी के देवता उनको तो चंदन लगाओ, उपटन लगाओ, कपड़े पहनाओ, आभूषण पहनाओ, ये धराओ वो धराओ, भोग लगाओ, इनके तो कुछ मत धराओ, एक लोटा पानी, 3 बार ताली, बम बम बोला, अपने घर जाओ। अच्छा शिव जी के मंदिर में बैठने की भी जगह नहीं होती, राम जी के मंदिर में जाओ तो थोड़ा बैठ जाओ, भगवान विष्णु के मंदिर में जाओ तो बैठ जाओ, शंकर जी के मंदिर में बैठने की भी जगह नहीं होती क्योंकि लोग पानी इतना ढोल के जाते, साड़ी भी बचा के चलना पड़ती है। तो शिव जी कहते हैं मेरे पास मत बैठो, मेरे पास बैठकर समय बर्बाद मत करो, मेरा ओघड़ दानी, मेरा महादेव, देव अधिदेव महादेव कहते हैं मैं जिसकी आराधना में लगा हूं, शंकर राम की आराधना करते हैं, राम शंकर की आराधना करते हैं, आपसे भी शिव जी कहते हैं आप भी उसकी आराधना में डूब जाओ, समय बर्बाद मत करो, ये समय बड़ा कीमती है, क्यों इसको छोड़ रहे, क्यों इसको बर्बाद करो। नारद जी पहुंचे भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु से देव ऋषि नारद ने जाकर कहा श्रीमन नारायण, भगवान विष्णु ने एक बार भी नारद जी से नहीं कहा कि बैठो, क्योंकि शंकर जी ने बैठने का कहा था तो नहीं बैठे थे, तो भगवान विष्णु क्यों बोले कि बैठो। नारद जी ने जाते से ही कहा प्रभु मैं नारद, भगवान कहते मैं जानता हूं, जिस कामदेव को भगवान ने नहीं जीता, देवाधिदेव महादेव ने नहीं जीता, उस कामदेव को देव ऋषि नारद ने जीता, आपको मालूम है। भगवान विष्णु की आंखों से जल बहने लगा, नारायण रोने लगे, नारायण को लगा कि ये तो डूबा मुझे भी डूबा दिया, क्योंकि शास्त्र कहता है निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला इन दोनों में महापापी कौन होता है, सुनने वाला। निंदा कर रहे थे नारद, सुन रहे थे भगवान विष्णु, तो महापापियों की गिनती में नारायण को भी आना पड़ा, रो पड़े। लक्ष्मी जी पास में खड़ी थी, माता लक्ष्मी ने पूछा नाथ क्यों रो रहे हो, भगवान कह रहे हैं इस देवऋषि नारद ने मुझे महापापियों की गिनती में खड़ा कर दिया, क्यों निंदा करी है नारद जी ने भगवान शंकर की, सबकी निंदा करते चल जाता पर देवाधिदेव महादेव की निंदा सहन नहीं होती। जिसने दुनिया को केवल दिया है उससे लिया नहीं तो उसकी निंदा कैसे सुन सकते, उसकी निंदा कैसे सुने। प्रभु तो रो क्यों रहे हो, भगवान ने कहा देव ऋषि नारद ने निंदा करी, शंकर जी की निंदा करने वाला, भगवान की निंदा करने वाला पशु का मुख लगता है
और निंदा सुनने वाले को भी पशु का मुख लगता है। नारद जी ने तो अपनी गति बिगाड़ ली, ये नारद को तो बंदर का मुख लगेगा, पर मैंने निंदा सुनी है इसलिए मुझे घोड़े का मुख लगेगा। भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ हयग्रीव अवतार, जिसमें भगवान को घोड़े का मुख लगा। लगा कि नहीं लगा? घोड़े का मुख, मुझे घोड़े का मुख लगेगा, और वो देवऋषि नारद के कारण लग रहा है, ये देवऋषि नारद के चक्कर में लग रहा है, ये घोड़े का मुख। रो रहे हैं भगवान। भगवान देवऋषि नारद से बोले, नारद जी आपने कामदेव को जीता मानते हैं, पर आपके ये शब्द नहीं निकलना थे कि आपने शंकर भगवान जिस कामदेव को नहीं जीते उसको हमने जीता है, आपने ये क्यों बोला? आपको ये नहीं बोलना, आपने ये बोला ये श्रेष्ठ नहीं, आप ये बोले हो ये श्रेष्ठता नहीं है। महाराज ये गलत आपने संबोधन कर दिया, ये संबोधन श्रेष्ठ नहीं महाराज। और जब सुना जब श्रवण किया, हमारे बीच में आदरणीय संत महोदय का आगमन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान देवदिदेव महादेव की कथा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख दया करी, दया करी की कथा कर रही है, ओगड़दानी शंभु की कथा कर रही है। देवऋषि नारद के शब्द सुनकर भगवान विष्णु की आंख में जल भर गए। नारद अपनी गति तो बिगाड़ी बिगाड़ी, मेरी भी गति आपने बिगाड़ दी। और देवऋषि नारद रस्ते में से गए, वहां एक कन्या के स्वयंवर में पहुंच गए। सील निधि राजा की कन्या का स्वयंवर था, वहीं पर भगवान से रूप मांगा, बंदर का मुख लग गया और देवऋषि नारद का अभिमान टूटा। जाकर चंद्रभागा नदी के तट पर देवऋषि नारद ने तप साधना करी। कौन सी नदी पर पहुंचे? चंद्रभागा। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर भगवान विष्णु का ऐसा है जहां भगवान नारायण के सिर पर शिवलिंग है। भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग है, वो एक ही भूमि है, वो है पंडरपुर। चंद्रभागा नदी का तट, पंडरीनाथ जी का मंदिर, हरि विट्ठल के मस्तक पर शिवलिंग विराजमान। जैसे शिवलिंग का पूजन करते हो जलाधारी वगैरह सब है, ऐसी पंडरीनाथ हरि विट्ठल के सिर पर शिवलिंग जलाधारी सब विराजमान। पूरी भारत की भूमि पर एक ही मंदिर। चंद्रभागा के तट पर देवऋषि नारद ने तप करा, शंकर भगवान से विनती करी, भोलेनाथ आइए। तब बाबा विश्वनाथ भगवान शंभु ने आकर दर्शन दिया, मांगो क्या चाहिए। भगवान नारायण भी सामने आकर खड़े हो गए, प्रभु आपको मेरे मंदिर में प्रवेश करना है। भगवान कहे इतनी भीड़ कैसे आऊंगा। भगवान नारायण ने अपने मस्तक पर भगवान शंकर को विराजमान कर लिया। कितना प्रेम होगा देवताओं में, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा में।
पर हमने उनमें भेद कर दिया, ये राम वाला, वो कृष्ण वाला, वो जगदम्बा वाला, वो शिव वाला, हमने भेद कर दिया, पर भगवान में कभी भेद नहीं हुआ। भगवान में कभी भेद नहीं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत एका। ध्यान दीजिएगा, यहाँ शब्द लिखा है, जिनके मन में भेद होता है वो नहीं जान सकते कि ये तीनों एक है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत प्रणवक्षर के मधे, ओम क्षर के मधे, यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। भगवान एक, ना भगवान विष्णु अलग है, ना भगवान ब्रह्मा अलग है, ना भगवान शिव अलग है, तीनों एक है, तीनों में कोई विषमता नहीं है। बस हमारी दृष्टि का भेद हो सकता है, हम जैसा चश्मा लगाएंगे वैसे ही तो हमको दिखेगा। हम पहले भी आपको कहें, काला चश्मा लगाओगे सब काला दिखेगा, लाल चश्मा लगाओगे सब लाल दिखेगा, पीला लगाओगे तो पीला दिखेगा। कामी को कामी नजर आता है, अहंकारी को अहंकारी नजर आता है, तृष्णावान को तृष्णावान नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, संत को संत, भगवंत को भगवंत नजर आता है, साधु को सब साधु नजर आते हैं। आपकी दृष्टि जैसी होगी सामने की सृष्टि वैसी ही नजर आएगी। संत तुकाराम जी को रात्रि में नींद नहीं आ रही थी, दरवाजे के बाहर जाकर बैठ गए थे, वहां से चार चोर चोरी करने जा रहे थे। तुकाराम जी को लगा इतनी रात को ना जाने किसको कौन सा काम अड़ गया, चलो मैं इनकी हेल्प कर देता हूं। संत थे, सब संत नजर आ गए, साधु को सब साधु नजर आ गए। संत तुकाराम जी उनकी हेल्प करने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए उनके पीछे जाने लगे। चोरों ने विचार करा, तुकाराम आ रहा है, किसी को बता देगा। एक चोर ने कहा, चिंता मत करो, अपनी टोली में शामिल कर लो, अपनी टोली में। हाँ, चारों ने कहा, सुनो तुकाराम, हमारे साथ चल रहे हो, चलो, मना नहीं है, आधा आधा तुमको भी दे देंगे। तुकाराम जी को लगा कि इनका जो काम होगा आधा मुझे दे देंगे, अच्छा हेल्प कर दूंगा, फ्री तो बैठा हूँ, रात करना क्या, आधी रात को फ्री तो हूँ, चलो। तुकाराम जी जैसे ही गए तो चारों के चारों चोर एक सेठ जी के घर में घुसने लगे, प्रवेश करने लगे। तुकाराम जी बोले, मैं चलूं काम करने के लिए। इतने में चोर बोले, तुम नए नए हो, तुमको मालूम नहीं है, तुम यहाँ खड़े रहो, अभी आधे घंटे में हम बाहर आ रहे हैं, तुम्हारा हिस्सा तुमको देंगे। तुकाराम जी को लगा कि काम का हिस्सा है मुझे देंगे, अब ये चोर तो अंदर गए, एक घंटा हो गया निकल के नहीं आए, दो घंटे हो गए नहीं आए। तुकाराम जी को लगा कि ये वही सेठ जी का घर है जहाँ रोज शिव महापुराण की कथा होती थी, ये वही सेठ जी का घर है जहाँ रोज रामायण गीता होती, भगवान का भजन होता, ये चारों की चारों तो भजन में बैठ गए और मुझे यहाँ छोड़ गए, मैं भी कितना पागल कि यहाँ खड़ा हूँ, अंदर जाता हूँ। और संत तुकाराम जी जैसे ही अंदर गए, अंदर जाकर उन्होंने जो भगवान का दर्शन करा, एक फोटो दिख गया उनको, फोटो में हरि विट्ठल दिख गए। तुकाराम जी ने जेब में से करताल निकाली, निकालते से बजाने लगे, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, जैसे ही करने लगे, चारों की चारों चोरों ने सोचा तुकाराम अंदर आ गया, चारों कोई पलंग के नीचे कोई ऊपर छुप गए। इतने में सेठ जी के नेत्र खुल गए, सेठ जी बाहर आए, गुरुदेव आप आयो, जिस गुरु को बुलाने के लिए मेरी जिंदगी लग गई, वो गुरु आज तक मेरे घर पर नहीं आया, आज आधी रात को मेरा गुरु मेरे दरवाजे पर आया, गुरुदेव आप आए हो, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। और सेठ जी भागे पानी लेने के लिए, पानी लेने जैसे सेठ जी गए वैसे वापिस लौट कर आ गए, पानी नहीं लाए, और लेने गए थे पानी वापिस आए, और आते से पूछा, गुरुदेव आप तो कभी अकेले नहीं जाते थे, आज अकेले कैसे आ गए गुरुदेव। संत तुकाराम जी बोले, कौन बोलता है अकेले आए, दो पलंग के नीचे दो ऊपर हैं, कहा किसने कि अकेले आए, दो नीचे दो ऊपर। चोरों ने सोचा ये तो जूते खिलवाएगा, अब तो निकलो बाहर। चारों बाहर निकल के तुकाराम जी के पास खड़े हो गए। सेठ जी गए जलने ने, पानी पिलाया, अंदर गए श्रीफल लाए पांच, पांच माला लाए,
पांच स्वर्ण की मुद्रा लाए, पांचों को दी, प्रणाम करा। प्रणाम कर कर तुकाराम जी से कहा, गुरुदेव ऐसी कृपा और करना, आते रहना। तुकाराम जी बोले, वो तो इनकी कृपा है जो हम यहाँ आ गए, नहीं तो हम कैसे आते। इतने में तुकाराम जी वापिस बाहर निकलने लगे। सेठ जी ने चारों चोरों के चरण पकड़ लिए, भैया बड़ी करुणा करी आपने जो हमारे गुरु जी को लेकर आ गए। इतने में चोरों की आंखों से जल बह रहा था। बाहर निकलकर संत तुकाराम के चरण चोरों ने पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव जब जब पकड़ाते थे जूता खा कर आते थे, आज जिंदगी में पहली बार पकड़ाए, गले में माला पहनकर आए हैं, बड़ी कृपा है आपकी। इतने में तुकाराम जी ने कहा, सुनो संतों के पीछे चलोगे तो माला ही मिलेगी, और कामियों के पीछे चोरों के पीछे चढ़ोगे तो जूते की माला ही मिलेगी। ये संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगवंत जितने हैं, इनके पीछे चलने पर, भजन में जाने पर, कीर्तन में जाने पर, नाम स्मरण करने पर, भगवान की भक्ति में डूबने पर जो मिलता है वो दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता। वो सुख है, वो सुख है। वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। मैं कहने में पीछे नहीं हटूंगा, आदरणीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी विराजमान हैं, कहीं मेंदोला जी भी बैठे होंगे, श्री रमेश जी मेंदोला, कहने में पीछे नहीं हटूंगा। आपके क्षेत्र के जितने भी विधानसभाएं होंगी इस इंदौर क्षेत्र के अंतर्गत, कहीं भोजन भंडारे और कथा भागवत इतनी होती कि नहीं होती, वैसे तो बहुत कम सुनने को मिलती है, पर आपका जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के अंतर्गत कथा चल रही है, इस क्षेत्र के अंतर्गत जिस व्यक्ति से पूछो वो एक ही बात कहता है कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं और आदरणीय कैलाश जी हैं या रमेश, अच्छा एक बात और, बड़े प्रेम से बोलते हैं, दादा हैं तो वो जो कथा करवाते हैं, जो कथा के बाद में या अन्य समय पर कथा नहीं भी होती, भोजन भंडारे जो होते हैं, बड़े सादगीपूर्ण होते हैं। और उस सादगीपूर्ण भंडारे में एक भंडारे ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। हमें तो उस भंडारे में नहीं पहुंचा था, पर खबर पूरे भारत में है, वो है पितृ पर्वत पर श्री हनुमान जी के विराजमान होने का। उस भंडारे ने शायद विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और एक ऐसा तीर्थ इंदौर नगर को दिया है, जीव रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, परंतु वो तीर्थ अजर और अमर हो गया है। ऐसा तीर्थ आदरणीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी ने, मेंदोला जी ने और इनके साथ की जो टीम है उसने जो प्रदान करी है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। वो बहुत बहुत अच्छी एक पहल और एक आनंद, बाबा की कृपा सुख देने के लिए। और हो संतों के पीछे चलना, तुकाराम जी की कथा कहती है, यहां भगवान विष्णु का चरित्र कर रहा है, देवऋषि नारद का अभिमान तोड़ दिया गया, भगवान नारद जी का अहंकार था, अभिमान था, वो टूट गया, बानर का जो मुख लगा था वो छूट गया, भक्ति में लीन। शिव की भक्ति साधारण नहीं है। जितने हमारे यहां पर जैसे कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये माहेश्वरी है, ये अग्रवाल है, ये ताम्रकार है, ये स्वर्णकार है, ये चौरसिया है, ये वर्मा है, जैसे हमारे यहां कहते हैं ये सेन है, ये चर्मकार है, ये दर्जी समाज से है, हमारे यहाँ कहते हैं, इन सब के जितने भी पुराने पुराने गुरु हुए हैं, उन गुरुओं को उठाकर देखना, जितने भी इनको वंश में रहे हैं वो सब शिव के उपासक रहे, शंकर के उपासक, शिव की आराधना के बिना कुछ मिला ही नहीं है। जितने मिले महाराज,
भगवान राम जी के दो पुत्र लव और कुश, भगवान कुश की 34वीं पीढ़ी में, भगवान कुश की 34वीं पीढ़ी में श्री अग्रसेन महाराज का जन्म हुआ था, जिससे अग्रवाल समाज की वंश की उत्पत्ति माना गया, 34वीं पीढ़ी में। और श्री वल्लभ सेन जी जो श्री अग्रसेन जी महाराज के पिता हैं, वल्लभ सेन जी, उनकी जो धर्म पत्नी थी भगवती देवी जी, विदर्भ की थी, विदर्भ से दो माताएं हमारे यहाँ आई थी, एक सूर्यवंश में एक चंद्रवंश में। सूर्यवंश में वल्लभ सेन जी की जो धर्म पत्नी है वो विदर्भ की है भगवती माता जी, और विदर्भ से ही श्री रुक्मणी माता जी जो भगवान कृष्ण की धर्म पत्नी है, ये दो विदर्भ से आई। सिरसा हरियाणा से, प्रतापगढ़ हिसार से ये अग्रसेन महाराज जी के पिता वल्लभ सेन जी निवास करते थे, और उनने उनके जो विवाह संबंध हुआ था वो भगवती देवी जी से हुआ था। तो भगवती देवी जी जो विदर्भ से आई थी, उनके मन में एक भाव जागृत हो गया था कि मैं सूर्यवंश की बहू हूं, राम जी के वंश में 34वीं पीढ़ी में, कुश के अंतर्गत 34वीं पीढ़ी में हमारा जन्म हुआ है, हम यहां आए हैं, क्यों ना राम जैसा पुत्र मेरे घर में उत्पन्न होना चाहिए। तो उन्होंने वल्लभ सेन जी से निवेदन करा था कि मेरे गर्भ से जो संतान हो वो भगवान की भजन करने वाली और जगत का कल्याण करने वाली हो, ऐसी कोई संतान हो। तो भगवती देवी जी ने जब अपने पति वल्लभ सेन जी से निवेदन करा, तो वल्लभ सेन जी ने कहा एक काम करना, शिव की आराधना करना, शंकर का भजन करना। और वल्लभ सेन और माता भगवती देवी ने दोनों ने जब शंकर की आराधना करी, स्वयं शंकर भगवान ने आकर कहा कि तुम्हारे गर्भ में जो बालक होगा वो राम जैसा ही कीर्तिवान होगा, कोई साधारण नहीं हो सकता। और मां भगवती के गर्भ से जो बालक हुए वो अग्रसेन जी हुए। और एक बात का स्मरण आपके जीवन में रहे, जैसे मां अहिल्या ने हर पल, माता अहिल्या हर पल शंकर जी को साथ लेकर चलती थी, ऐसे ही अग्रसेन महाराज जब जब किसी काम से, जैसे हिसार के अंतर्गत जब पानी नहीं गिरा तो उन्होंने शंकर का अनुमोदन करा और शिव भगवान प्रकट होकर उनके लिए जल वृष्टि कर गए। देखो हमारे यहाँ के जितने पूर्व में चाहे राजा रहे, महाराजा रहे, संत रहे, साधु रहे, ये शिव के उपासक रहे। आपसे भी निवेदन है, संपूर्ण जितने भी लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं, एक बूंद भी अगर जल की शिव पर समर्पित होती है तो उसका फल आपके खाते में लिखा जाता है, अलग नहीं जाता। हाँ ये जरूर है थोड़ा समय लगता है, दुख आया है पूर्व के कर्म के अनुसार आया है, तो थोड़ा दुख काटने में समय तो लगता है, पर आप बाबा से रोज निवेदन करो ना, रोज भजो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान से रोज प्रार्थना। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देव ऋषि नारद का अहंकार गया, समय आया, ब्रह्मदेव से भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी आप सृष्टि की लीला आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी सृष्टि की लीला आगे बढ़ाने वाले थे, तो ब्रह्मा जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा देवाधिदेव महादेव के लिए, संशय उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी के मन में, और भगवान विष्णु से कहा कि
प्रभु भगवान नारायण से कहा ब्रह्मा जी ने कि मैं आपका पुत्र हूं, पर हे नारायण आपके पिता का नाम क्या है? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता शिव है, शंकर। शिव महापुराण में लिखा है, लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है, नर्मदा पुराण में वर्णन आता है, शंकर भगवान ने अपनी जंगा और हस्त कमल पर अमृत का छींटा दिया था। जब देवता अमृत भाग लेकर आए थे तो वो अमृत का छींटा दिया, और ये अमृत कोई एक बार प्रकट नहीं हुआ है, ये अमृत कई बार प्रकट हुआ। उस अमृत के छींटे से उतार कर एक पुरुष की उत्पत्ति हुई थी, वो भगवान विष्णु थे, ये शिव महापुराण में लिखा। भगवान विष्णु ने अपने शरीर पर जल का सिंचन करा था, चारों तरफ जल जल कर दिया था, उस पर आयन करने के कारण भगवान का नाम नारायण पड़ गया, ये शिव महापुराण कहते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता शंकर, भगवान शिव आपके पिता शंकर। हाँ शिव कैसे हैं? भगवान विष्णु ने कहा ये सामने पर्वत है, अपन इसको घुमाते हैं, प्रकट करते हैं शंकर भगवान को। दोनों ने मिलकर जो पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा उसमें से एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। जैसे ही लिंगायत आकृति प्रकट हुई भगवान शंकर के सामने, जैसे ही भगवान विष्णु के सामने लिंग प्रकट हुआ, लिंग प्रकट होते से ही भगवान शंकर ने कह दिया नारायण मैं सामने प्रकट हो गया हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं मैंने मांगने के लिए आपको प्रकट नहीं करा, मैंने तो केवल आपको नमन करने के लिए ब्रह्मा जी को आपका स्वरूप दिखाना था कि मेरा पिता कैसा है, उसको बताना था, इसलिए प्रकट किया। अच्छा हाँ, मैंने आपको इसलिए प्रकट किया। भगवान ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न नहीं हुआ। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा अगर ये शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, भगवान का जो स्वरूप है, इनके चरण कहाँ है, इनका सिर कहाँ है? जिस शिवलिंग पर आप पानी चढ़ाते हो उसका चरण कहाँ पर है, ढूंढा कभी आपने? जिस शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हो उसका सिर कहाँ पर है, ढूंढा कभी आपने? इस शिवलिंग का चरण कहाँ है, इस शिवलिंग का सिर कहाँ पर है, पता करो जरा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा नारायण मुझे बताओ इनका सिर कहाँ है, इनका चरण कहाँ है, भगवान शंकर का स्वरूप कहाँ है? भगवान कहने लगे, विष्णु जी बोले, नारायण बोले आप बताओ क्या करना है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, मैं जाता हूँ शिवलिंग के सिर पर, आप जाइए शिवलिंग के चरण पर, पता करना है कि भगवान शंकर के चरण कहाँ हैं और सिर कहाँ है। भगवान विष्णु ने मना करा, मैं जानता हूँ चरण नहीं मिलेंगे, ना सिर मिलेगा ना चरण मिलेंगे, पर नहीं माने, चले गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए। भगवान नारायण पाताल में जाते गए और भगवान ब्रह्मा आकाश में जाते गए, शिवलिंग बढ़ता चले गया, ब्रह्मा जी को शिवलिंग का छोर नहीं मिला, अंत में ब्रह्मा जी हार गए। सामने केतकी का पुष्प मिला, केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने उठा लिया, उठाकर ब्रह्मदेव ने बोला एक केतकी के फूल पुष्प तुम मेरे साथ नीचे चलो, भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला मैं काय को झूठ बोलूं? व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसका कोई फायदा होता है, और एक झूठ अगर व्यक्ति ने बोल लिया तो उसको फिर झूठ पर झूठ बोलना पड़ता। जैसे बटन लगाते ना लोग बाग, अब हमारे पास तो बटन वाली शर्ट भी नहीं तो बता देते, हमारे पास तो बद्दी वाली है। बटन जो लगाते हैं ना, एक बटन अगर गड़बड़ लग गई है तो पूरी शर्ट की डिजाइन बिगड़ गई है। एक झूठ अगर गड़बड़ बोल दिया है तो तुम्हारी जिंदगी की भी डिजाइन गड़बड़ हो गई है, ध्यान रख लेना। इसलिए बटन सही लगे, एक बटन गड़बड़े तो दूसरी भी गड़बड़ लगेगी, दूसरी गड़बड़े तो तीसरी भी गड़बड़ लगेगी, तीसरी है तो चौथी भी गड़बड़ लगेगी। इसलिए सही बटन लगाओ, झूठ पर मत जाओ। राम नाम जम के तो बोलो, राम नाम सत्य है, सत्य को जीवन में उतारने का प्रयास करिए। सबसे ज्यादा प्रिय शंकर जी को सत्य ही बोलो, सत्य।
पर आज के जमाने में सत्य बोल दो तो लोगों को बुरा लग जाए। गुरु जी सत्य बोल दो, सत्य है। केतकी के फूल ने कहा मेरा भला क्या होगा अगर मैं झूठ बोलूंगा तो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, सुगंधित बनाकर रखूंगा, चल। केतकी मान गई। आगे चले तो सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी। गाय को देखा, ब्रह्मा जी ने कहा गौ माता रुको तो इधर आओ। गौ माता आई, ब्रह्मा क्या बात है? गौ माता जी ने कहा, ब्रह्मा जी बोले तुम हमारे साथ चलकर नीचे एक बार भगवान विष्णु के सामने कह दो कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, शिवलिंग का सिर मिल गया ब्रह्मा जी को, आप चलकर कह दो। गौ माता ने कहा मेरा फायदा क्या है? ब्रह्मा जी बोले घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो तुम्हारे को दी जाएगी। व्यक्ति का फायदा होता है तब वो झूठ बोलता है। गौ माता ने झूठ कह दिया, ठीक है चलो। ब्रह्मा जी नीचे आए, भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मदेव आपको भगवान शंकर का सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले नारायण पहले आप बताओ कि आपको भगवान के चरण मिल गए? भगवान विष्णु ने पहला ही शब्द सत्य का बोल दिया कि मुझे शंकर भगवान के चरण नहीं मिले। अब एक बार सत्य बोल दिया तो फिर झूठ बोलने की बात ही नहीं। जिस दिन शंकर भगवान ने भगवान ब्रह्मा के सामने शिव जी के सामने सत्य बोला था उस दिन से भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण पड़ गया। क्या नाम पड़ा? सत्यनारायण। अब पूछोगे गुरु जी ये कथा कहाँ से ली है कि भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ा? तो स्कंद पुराण में सत्यनारायण जी की कथा को निकालना, उसमें लिखा है भगवान नारायण ने एक बार सत्य कहा था भगवान शंकर जी के सामने कि मुझे चरण नहीं मिला, तो भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण पड़ गया। अब भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मदेव आपको शंकर भगवान का सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले हाँ मिल गया। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो, जब तुम सत्य बोल रहे हो तो प्रमाण देने की जरूरत क्या? सत्य को प्रमाण चाहिए क्या? नहीं। प्रमाण किसको चाहिए? असत्य को। असत्य को प्रमाण। सती माता ने झूठ बोल दिया था, एक झूठ माता सती ने शिव जी के सामने कह दिया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी जान गए ये परिवार तोड़ देगी। परिवार कब टूटता है? अच्छे अच्छे संबंध कब खत्म हो जाते हैं? व्यक्ति के सारे अच्छी मित्रता संबंध प्रेम कब खत्म हो जाता है? जब व्यक्ति झूठ बोल जाता है, असत्य बोल। केवल एक झूठ के चक्कर में माता सती ने अपना पूरा परिवार नष्ट कर लिया, शिव के करीब नहीं जा पाई। एक झूठ ने सती माता को शिव से दूर कर दिया, असत्य बोल दी। अब आज माता भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मेरे को भगवान विष्णु का भगवान शंकर का सिर मिला है, शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी बोले आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो केतकी के फूल से पूछ लो। भगवान विष्णु ने केतकी के फूल को हाथ में लिया और पूछा बोल केतकी क्या ब्रह्मा जी को सिर मिल गया शंकर भगवान का? केतकी का फूल बोला हाँ ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। भगवान शिव जी की आकाशवाणी हो गई केतकी के पुष्प, तू झूठ बोल रहा है हे केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर एक केतकी का पुष्प शंकर पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है महाराज, इसलिए केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है पर शंकर पर भूल से नहीं चढ़ता, कभी भी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ेगा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मुझ पर कभी नहीं चढ़ सकता, 1000 गौ हत्या के बराबर दोष है केतकी का फूल अगर शिव पर चढ़ जाए। ब्रह्मा जी बोले आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो आप गौ माता से पूछ लो। बोलो गौ माता क्या भगवान ब्रह्मा को भगवान शंकर का सिर मिल गया? बोलो आप। गौ माता बोली हाँ सिर मिल गया ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का। फिर आकाशवाणी हो गई है, गौ माता झूठ बोल रही है। भगवान शंकर ने कहा गौ माता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है?
मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। तो झूठ बोली है, तेरा ये मुख अपूज्य होगा। गाय का पूरा शरीर पूज्य है पर गाय का मुख अपूज्य है। हिंदू धर्म में कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान, स्वर्णदान, भूमिदान, मुद्रादान, पकड़कर करना पड़ता है। गाय के आगे से कभी गौदान। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना टूटेगी। जो गाय के पीछे से पूंछ पकड़कर करना पड़ता है। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, पीपल की परिक्रमा आगे से, मंदिर की परिक्रमा आगे से, मात पिता की परिक्रमा आगे से, गुरुजन की परिक्रमा आगे से, तीर्थ की परिक्रमा आगे से, पर हिंदू धर्म में एक परिक्रमा ऐसी है जो पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है, वो गौ माता की परिक्रमा है। गाय की पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होती है, क्योंकि इसने झूठ बोल दिया। और केवल एक बार झूठ नहीं बोला है गौ माता ने, दो बार बोला। राम जी जब बन गए, फाल्गु नदी के तट पर भी गौ माता ने झूठ बोल दिया। सीता जी का श्राप लग गया, तुम झूठ बोल रहे। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नियम है, गौ माता के लिए अलग से पात्र रखा जाता है। पहले अगर आप लोग राजस्थान साइड में कभी गए होगे, मारवाड़ में कभी गए होगे, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, घर के बाहर पत्थर का इतना बड़ा कुंडा रखा रहता था। उस कुंडे में भोजन ले जाके डालते थे, गाय उसे खाती थी। घर के पात्र को झूठा नहीं करने देते थे, घर के पात्र को झूठा नहीं करने देते थे, क्योंकि वो पात्र अगर गौ माता झूठा कर देती थी, फिर उसमें गंगा जल भर कर रखो, 7 बार अग्नि में तपाओ, फिर 3 बार गंगा जल भर कर रखो, तब वो पात्र घर में कार्य लेते थे, पर भगवान की सेवा में नहीं जाता था, क्योंकि झूठ बोली है, झूठ बोला है। और देखिए वही गौ माता जिसने झूठ बोला, वही गौ माता शंकर से बाद में निवेदन करती है कि दुनिया के लोग मुझे पूछेंगे नहीं, आप कृपा कर दो। शंकर भगवान ने कहा, तू क्यों चिंता करती है गौ माता, भले तू झूठ बोल ली पर मैं शिव हूं, मेरे को लोग ओगड़ी कहते हैं, चिंता मत कर, मेरा एक जन्म तेरे गर्भ से होगा। गौ माता तेरे गर्भ से जन्म लूंगा, तू क्यों चिंता करती है। और आप सबने कथा सुनी होगी, गाय गौ माता जब अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही थी, गाय जब अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी, तो कामधेनु गाय जब दूध पिला रही अपने पुत्र मनोरथ को, तो वो दूध का फेन उड़ गया था, उड़कर वो शंकर भगवान के ऊपर चले गया था, शिव जी के ऊपर। जैसे ही गाय के दूध का फेन गया, झूठा फेन चले गया, जाते से ही शंकर भगवान उठकर खड़े हो गए। गौ माता को लगा कि भोलेनाथ मेरे पुत्र को मार देंगे, शंकर जी ने इशारा करा, गौ माता ने मुख को खोला और तेज श्वास ली, श्वास लेते से ही शंकर भगवान को गाय निगल गई। शिव जी गौ माता के पेट में जाकर बैठ गए। 7 रात्रि तक भगवान शंकर गौ माता के पेट में बैठे रहे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जिस गौ माता के पेट में शिव बैठे हैं, उस गौ माता के पेट में आप लोग जो भोजन पॉलीथिन में डालकर बाहर पटक देते हो, गाय वो खा जाती है, और वो पॉलीथिन गाय के पेट में जाती है, वो कैंसर बना देती है। जरा विचार करिए गौ माता को कितना कष्ट होता होगा, कितना दुख। 7 रात्रि तक भोलेनाथ माता गौ माता के उदर में बैठे रहे, पेट में बैठे रहे। जब गाय के पेट में मेरा भोलेनाथ बैठा रहा, हाहाकार मच गया, शिव कहाँ गए, ढूंढने के लिए प्रयास करा गया, अथक प्रयास माता पार्वती जी ने करा, तब मालूम पड़ा कि गौ माता निगल गई शिव जी को। तब गौ माता से प्रार्थना करी गई और गाय से प्रार्थना कर कर गौ माता के उदर से भगवान शंकर को प्रकट करा गया। गौ माता ने कहा, मेरा पुत्र नंदी बनकर आप प्रकट हो, और शिव जी नंदी ध्वज बनकर प्रकट होते हैं, स्वयं नंदीश्वर बना। कोई साधारण है गौ माता, पूज्य बना दिया वापिस मेरे शिव, वापिस पूज्य बना दिया।
शंकर है ही ऐसे। मेरा ओगड़दानी, मेरा शिव है ही ऐसे। बेलपत्री में ये जो तीन पत्तियां होती हैं, कभी कभी पांच पत्ती की भी बेलपत्र होती है, कभी कभी छह पत्ती की भी होती है, चार पत्ती की भी होती है। उस बेलपत्र का बड़ा महत्व होता है महाराज जी। चार पत्ती की अगर बेलपत्र मिल जाए तो महाराज जो लकवे वाला शरीर होता है, जिसके शरीर में लकवा लग जाता है, उस लकवे के शरीर वाले के लिए चार पत्ती की बेलपत्र शंकर भगवान पर समर्पित कर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से सात लोटा पानी, सात कलश, पीले चंदन का जल शिव जी को चढ़ाया जाता है। चार पत्ती की बेलपत्र को वापस उठा कर लाते हैं, उसको धोकर जो लकवे का शरीर वाला मरीज होता है, धीरे धीरे उसको चूर कर उस बेलपत्र को खिलाना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे शरीर उसका काम करने लगता है। जिसको लकवा लगा हो वो प्रयोग कर सकता। इसी बेलपत्र की जो नीचे की दो पत्तियां होती हैं, इन दो पत्ती के लिए पहले भी वर्णन करा, इन पत्र में भी है। किसी माता को इंजेक्शन लगते थे, इंसुलिन लगता था, पर बेलपत्री के सेवन करने से उनको अब इंसुलिन की जरूरत नहीं है शुगर लेवल में। बेलपत्री की जो पत्ती होती है नीचे की दोनों पत्तियां, इस पर केसर से आप चंदन का तिलक, केसर का तिलक लगा लें, और भगवान शंकर का जो शिव जी के 13 बच्चे हैं, शंकर जी के कितने बच्चे हैं? 13। उन 13 बच्चों में शंकर जी की पांचों लड़कियों का नाम ले, जया, जम के बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की पांच लड़कियां। इन पांचों लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित करना प्रारंभ कर दें। पांच या सात बेलपत्र ले लें, उसको समर्पित कर दें, उसको लेकर आए। जब बेलपत्र शुगर वाला व्यक्ति या बीपी वाला व्यक्ति या थायराइड वाला व्यक्ति खाए, तो एक एक बेलपत्र सबसे पहले नीचे की पत्ती को तोड़ ले, जो नीचे की दो पत्तियां, इसको तोड़कर खाना प्रारंभ करें, फिर आखिरी में ऊपर की पत्ती को खाए। तीन दिन लगातार कर देखिए, शुगर लेवल में आ जाइए। अभी तो कथा चल रही है, तो दूसरा ही दिन हुआ है, खाकर तो देखो, चार दिन तो हम भी यहीं हैं, तो शुगर लेवल में आपको मिलेगी। शिव का स्मरण करिए, पर शंकर भगवान की पांच लड़कियों के नाम मत भूलना। पहली, जम के बोलो जरा, जया, दूसरी विषहरा, तीसरी श्यामली बारी, चौथी दौतली और पांचवी देव। ये शंकर भगवान की पांच लड़कियां हैं जो औषधि का काम करती हैं। शिव जी की ये पांचों लड़कियां औषधि प्रदान करती हैं, साधारण नहीं है। मेरा शिव औषधि, भोलेनाथ से निराला यहां को कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं, भोले नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, जय हो।
तो शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू बजाने वाला कोई नहीं ऐसा, डमरू बजाने वाला कोई नहीं ऐसा, डमरू बजाने वाला कोई नहीं ऐसा, डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोले नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। हो जितने बाहर वाले गेट के पास खड़े हैं वो भी दोनों हाथों से ताली बजाते हो। जय हो। जब जब करमट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करमट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करमट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करमट बदले पाप चमकते अगले पिछले। जोग जगाने वाला कोई नहीं ऐसा, जोग जगाने वाला कोई नहीं ऐसा, जोग जगाने वाला कोई नहीं ऐसा, जोग जगाने वाला कोई नहीं। भोले नाथ से निराला हो नहीं। भोले नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभु नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभु नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोले नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो नाथ से निराला यहाँ कोई हर हर महा। भगवान शिव की कथा कह रही है।
शिव ओघड़ दानी, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। ब्रह्मा जी के सामने भगवान शिव की साक्षी में भगवान नारायण के सम्मुख में झूठ बोल दी है गौ माता, गाय ने झूठ बोल दिया। अब आकाशवाणी कर रही है ये गाय माता झूठ बोल रही है, ये झूठ कर रही। ब्रह्मा जी बोले ये आकाशवाणी झूठी है, ये आकाशवाणी जो हुई है ये झूठी है। क्रोध आ गया महाराज। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जैसे ही सुना कि आकाशवाणी झूठी है, भगवान शंकर भगवान को क्रोध आ गया और शिव को क्रोध आया और भोलेनाथ जी ने उसी समय भोलेनाथ जी ने अपने चरण का नख तोड़ा और पैर का नख तोड़कर भगवान उस नख को फेंका। काल भैरव प्रकट कर लिया, काल भैरव प्रकट हो गए। जब काल भैरव प्रकट हुए, भगवान शिव जी ने आदेश दिया कि जाओ, जाकर जिस मुख से ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, जिस मुख से ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी का उस सिर काट दीजिए। फिर ध्यान देना, शंकर भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल, पर एक लोटा जल ना हो तो बेलपत्र, बेलपत्र ना हो तो तीन बार ताली, तीन बार ताली ना हो तो बम बम भोले, और ये भी ना हो तो अपने जीवन में दिन भर में कम से कम एक बार सत्य बोलो। दिन भर में एक बार कितना बोलना है? एक बार बोल लो, बहुत है। जीवन का सबसे ज्यादा सुख सत्य बोलने में प्रकट हो जाएगा। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य प्रिय है मेरे भोलेनाथ। हर हर महा, भगवान की प्रियता सत्यम, सत्य में प्रियता मेरे। शंकर भगवान की कथा कर रही, ओघड़ धानी त्रिकालदर्शी मेरे कैलाशी की कथा कर रही, मेरे बाबा की कथा कहती है। भगवान शिव काल भैरव को प्रकट करे, काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया, सिर लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, तो भी वो मस्तक झूठ बोलता रहा। मस्तक अभी भी झूठ बोल रहा है कि आकाशवाणी झूठी है। अब सिर कट गया, सिर कटने के बाद भी सिर लुढ़कता लुढ़कता झूठ बोलता गया। ब्रह्मा जी के रक्त, जो सिर कटने पर जो रक्त निकला, वो रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम है कर्मनाशा। कौन सी नदी है जरा जम के बोलिए? कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान शिव ने कहा ये कर्मनाशा नदी ब्रह्मा जी के सिर कटने पर प्रकट हुई है। ये कर्मनाशा नदी भारत की भूमि पर एक ऐसी नदी है जिस नदी पर कुत्ता भी पानी नहीं पीता। भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है जिस पर पक्षी भी अपनी चोंच उस नदी के पानी को नहीं लगाते, वो कर्मनाश है। इलाहाबाद से काशी के बीच में बहने वाली ये नदी वैसे तो 14 किलोमीटर की है, पर आजकल अगर लोग नेट पर सर्च करते हैं तो वो 20 किलोमीटर की दिखती है। अब हो सकता है उसका विस्तार हुआ हो, पर शिव महापुराण में, लिंग पुराण में वो 14 किलोमीटर है। एक कर्मनाशा नदी जिस पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पांव ना धोइए, इसका स्पर्श ना करिए, ये कर्मनाशा है। सात
पीढ़ी में किसी ने उद्यापन करा हो, दान करा हो, कन्या दान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, अन्न दान, उपास व्रत कुछ भी करा होता है, सात पीढ़ी में अगर किसी ने करा हुआ है और उस पीढ़ी का व्यक्ति अगर कर्मनाशा नदी को छू लेता है, उसका पानी का स्पर्श हो जाता है, तो सात पीढ़ी में करा गया सारा कर्म नष्ट हो जाता है। वो कर्मनाशा नदी आज भी बहती है जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी। विद्वान लोग आज भी उस नदी के पास नहीं जाते, उस नदी के करीब में नहीं पहुंचते। नदी के करीब में नहीं जाते महाराज। शंभु शरणे पड़ी, एक निवेदन अगर आप लोग स्वीकार करें तो, सभी लोग अगर स्वीकार करें तो, बैठे बैठे ही थोड़ा थोड़ा सा खसक जाइए, बाहर पानी आ रहा है इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सा बैठे बैठे खसको, खड़े मत होइए, बैठे रहिए बस, उसको थोड़ा सा आप स्वीकार करिए जिससे आप लोग आराम से बैठे रहें। बैठे बैठे खसक जाओ, आप शंकर के भगत हो, शिव आपके हृदय में बैठा हुआ है, बस आप उसको स्वीकार करते हुए कुछ देर की और बात है, सबको विराजमान कर लीजिए। हर हर महा शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, हर हर महा हर हर महा। भगवान शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी मेरे शिव ने कृपा करी और काल भैरव प्रकट होकर ब्रह्मा जी का सिर काट दिए, ब्रह्मा जी का मस्तक कटा। भगवान ब्रह्मदेव ने क्षमा याचना करी, क्षमा याचना करी तब भगवान विष्णु ने कहा, क्या चाहते हो ब्रह्मदेव? ब्रह्मा जी बोले, प्रभु बस इतनी कृपा कर दो महाराज, एक करुणा थोड़ी सी कर दीजिए, जो मेरा सिर कटा है वो कटा हुआ सिर संसार में इसको लोग बुरा ना कहें, इससे नफरत ना करें, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने कहा क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु बोले, प्रभु आप तो सामर्थ्यवान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। भगवान उसी समय पर ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को वट वृक्ष बना देते हैं। काय का वृक्ष बनाया है? वट वृक्ष। भगवान शंकर ने कहा, सुनो ब्रह्मा जी, ए ब्रह्मदेव, तुम्हारा जो सिर कटा है ये वट वृक्ष के नाम से पूजा जाएगा। इस बड़ के पेड़ के नीचे लोग पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, भजन करेंगे, स्मरण करेंगे और मेरी भक्ति को धारण करेंगे। शिव जी स्वयं उस वट के पेड़ के नीचे विराजमान हुए, शंकर जी का एक नाम हो गया बटकेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा है? बटकेश्वर महादेव। महाराज जिसका कर्जा ज्यादा बढ़ जाता है, आवक रुक जाती है, कोई कर्जा ज्यादा हो गया, पैसे नहीं आ रहे, अदालत में कोई केस चल रहा है निपट नहीं रहा, तो उसके लिए बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। लिंग पुराण में लिखा है कि बटकेश्वर पूजन जो होता है वो भगवान बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर, या बड़ के पेड़ के नीचे कोई शंकर भगवान का शिवलिंग हो वहाँ पर इस पूजन को किया जाता है। जिस व्यक्ति पर कर्जा ज़्यादा हो जाए या अदालत में या कहीं कोर्ट केस हुआ हो या तकलीफ आ रही हो, तो बटकेश्वर महादेव का पूजन मान्य है। छोटे से शिवलिंग का निर्माण वट वृक्ष के नीचे करना, और पहले भी आप लोगों को कहा है ज्यादा बड़ी मूर्ति घर के अंदर ना हो, प्रयास करिएगा अंगुष्ट आकृति के बराबर की मूर्ति हमारे घर के अंतर्गत हो। और अगर बड़ी मूर्ति भी आपके घर में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको निकाल दें, उसको भी पूजन में रखो, वो अपनी पुरातन है।
उसका भी स्मरण करिए, पर प्रयास करो कि बाजार से कोई नए देवता की मूर्ति ज़्यादा एकाग्रित नहीं करना। आज के ज़माने में बड़ी बड़ी परेशानी है, जिस तीर्थ में जाते हो वहाँ से मूर्ति लेकर आ जाते हो। बद्रीनाथ जी घूमने गए तो बद्रीनाथ जी को लिया, द्वारका जी गए तो बोलते जाओ जरा द्वारका जी को लिया, जगन्नाथ जी गए जगन्नाथ जी को लिया, इतने सारे देवता घर में रखे हैं। अब भगवान की पूजन हो रही नहीं हो रही, थोड़ी बहुत पूजन हुई थोड़ी बहुत नहीं हुई। अब छोटी जगह में, अब जैसे आप लोग अगर पास पास में आप लोगों को बिठा दिया जाए तो परेशानी होती कि नहीं होती, जम के तो बोलो जरा, होती है ना। अब तुम्हारा इतना बड़ा तो मंदिर घर के अंदर, कितना बड़ा मंदिर, छोटा सा तुम्हारे घर में मंदिर, इतने बड़े मंदिर में वहीं शंकर जी बैठे, वहीं राम जी बैठे, वहीं कन्हैया जी बैठे, वहीं लड्डू गोपाल, वहीं पर लक्ष्मी जी, वहीं पर दो दो गणेश जी, वहीं पर सारे देवी देवता। बद्रीनाथ गई तो उनको भी लाया, जगन्नाथ गई उनको भी लाई, रामेश्वर गई उनको भी लाई, सारे देवता वहीं इकट्ठे। और सुबह से उठ कर गई, इतनी सी शक्कर ले गई, अब इतनी सी शक्कर भगवान के सामने रख दी और आरती उतार दी। अब सारे देवता आपस में सोच रहे कि तुम खाओगे कि हम खाएंगे। इसलिए शास्त्र कहता एक साधे सब सधे, सब साधे बिसरा, एक को साध लो सब हो जाए। हमारे देवाधिदेव महादेव को जो जल चढ़ाते हो ना, 33 कोटि देवताओं को वो जल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा भी उसी में है, विष्णु भी उसी में है, इंद्र भी उसी में है, देवी भी उसी में है, देवता भी उसी में, सब उसी में विराजमान। कहीं हमें भटकना नहीं है उसको ढूंढने के लिए, सब उसी के भीतर विराजमान। एक बेलपत्री का पत्ता, मात्र एक बेलपत्री का पत्ता, जिसके भीतर ब्रह्मा भी है, विष्णु भी हैं, शिव भी हैं, और इस बेलपत्री के बीच वाली पत्ती से लेकर जहां दो पत्तियां रहती हैं उस पत्ती के बीच में जो गैप होता है डंडी का, इसमें 64 योगिनियां भी हैं, 64 योगिनियां देवियां भी इसके अंतर्गत विराजमान है। और उस डंडी के नीचे जहां दो पत्ती है, इस दो पत्ती के नीचे की जो लंबी डंडी रह जाती है, इसमें 33 कोटि देवताओं का भाग है। उस डंडी के नीचे जो छोटा सा एक मोटा सा भाग रह जाता है, कई बार आप लोगों ने बेलपत्री को तोड़ा होगा तो नीचे एक मोटा सा भाग रह जाता है महाराज, उसके अंतर्गत सारे तीर्थों का भाव जागृत रहता है। उस बेलपत्री को केवल साधारण ना समझे, शिव को अगर समर्पित कर रहे हैं तो वो संपूर्ण उसी के अंतर्गत, संपूर्ण। केवल आप लोगों ने बेलपत्र अगर कभी शिवजी पे चढ़ी हुई, हम तो कई बार निवेदन करते हैं कि आप उसका सेवन हफ्ते में एक बार, जिसको भी शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, हफ्ते में एक बार शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ कर देना चाहिए हफ्ते में एक बार। और जिसके भी घुटने में प्रॉब्लम रहती है या डॉक्टर ने बोल दिया कि घुटना बदलना पड़ेगा, तो उनके लिए निवेदन है शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र शिव जी के मंदिर पर ही बाहर खड़े होकर शिखर का दर्शन कर उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लीजिए, घुटना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी घुटना बदलने की जरूरत। और कई लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है, आपके बीच में ही लोग बैठे होंगे, बहुत सारे लोग आपके भीतर बैठे होंगे, कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने उस प्रैक्टिकल को करा होगा, जिन्होंने किया होगा, और कई लोगों को उसका लाभ प्राप्त हुआ होगा, कई लोगों माने। अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर का चरित्र का ओगड़दानी मेरे त्रिकालदर्शी की कथा कर रही है। महाराज ब्रह्मा जी से कहा,
ब्रह्मदेव, भगवान शिव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बड़ के पेड़ के नीचे मेरे शंभू मेरे शंकर विराजमान हो गए। आगे जो पावन चरित्र आया है शिव महापुराण का, जैसे आपको वर्णन किया, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से पूछा कि सृष्टि का निर्माण कैसे करना है, वो दर्शन आप कराइए। इस सृष्टि खंड को बढ़ाना कैसे है, उसका वर्णन आप करें। महाराज शिव कथा कहती है, ब्रह्मा जी के लिए भगवान स्वयं वर्णन कर जाते हैं कि आप एक काम करिएगा, आधा पुरुष आधे स्त्री का निर्माण करिएगा। पुरुष और स्त्री का निर्माण करना था, ब्रह्मा जी को भान नहीं हो पाया, उन्होंने पुरुष और स्त्री को मिलाकर निर्माण कर दिया, जिससे किन्नर उत्पन्न हो गए। अब किन्नर उत्पन्न हुए तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों आ रहे थे, मेरे शिव आ रहे थे। भगवान विष्णु ने देखा कि चारों तरफ किन्नर ही किन्नर है, जहां देखो किन्नर नृत्य कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। इतने में तो भगवान विष्णु को हंसी आ गई, बड़ी जम के भगवान नारायण हंस दिए बहुत ठाका लगाकर। जैसे ही भगवान विष्णु हंसे तो भगवान शंकर ने पूछा, क्या हुआ नारायण, आप हंस क्यों रहे हो? भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु आपने ब्रह्मा जी से कहा था कि सृष्टि का निर्माण करो, पर ब्रह्मा जी ने कैसी सृष्टि बनाई, चारों तरफ किन्नरों को उत्पन्न कर दिया। सबसे पहली सृष्टि का निर्माण में किन्नर उत्पन्न हुए थे, इसलिए आज भी शुभ कार्य में, घर के मंगल विवाह में, बच्चों का जन्म होता है उसमें किन्नर आमंत्रित होते हैं और किन्नरों को कुछ देना पड़ता है। ये भगवान ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में से प्रथम सृष्टि में किन्नर थे। भगवान विष्णु हंस दिए, शंकर भगवान को थोड़ा सा क्रोध आ गया कि ब्रह्मा जी ने निर्माण करा और तुम हंस रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी अंधे को देखकर मत हंसो, कभी लूले को, विकलांग को, चरण नहीं हाथ नहीं बहरा है कोई, वाणी से विहीन है कोई, उसको देखकर कभी नहीं हंसना। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक जन्म हमको लेना पड़ता है उसी के जैसा जिस पर हंसे हैं हम, और भगवान विष्णु को भी लेना पड़ा किन्नर का उतार, भगवान नारायण को भी किन्नर बनना पड़ा, केवल हंस दिए थे थोड़ा सा। और भगवान विष्णु जो ठहाका लगाकर हंसे, शंकर भगवान ने कह दिया, नारायण आप ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर किन्नरों पर हंसे हो, आपको पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा, आपको भी किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान विष्णु की आंख में से जल बह गया, नारायण रो दिए, शिव आप मुझसे कह रहे हो कि मुझे किन्नर बनना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि आप ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो। और आया समय, जिस समय पर पांडव और कौरवों का युद्ध प्रारंभ होना था, कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब युद्ध करने के लिए कौरव और पांडव पहुंचे तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर चंडी प्रकट हो गई। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चंडी प्रकट हुई और चंडी ने कहा, सुनो कौरव और पांडव, ये भूमि मेरी है। भूमि पर युद्ध करने से पहले कौरव को अपने परिवार में से किसी एक की बलि देना पड़ेगी और पांडवों में से परिवार में से किसी एक की बलि देना पड़ेगी, तब तो तुम इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध लड़ सकते हो। अब कौरव तो खुश हो गए, क्योंकि हम 100 भाई, एक आध अगर बलि में मर भी गया तो 99 तो बचेंगे। पर दुख तो पांडवों को था, 5 में से एक मर गया तो फिर युद्ध कैसे होगा। भगवान कृष्ण को चिंता व्यापने लगी, टेंशन पड़ गया, मेरे ठाकुर को चिंता व्याप गई, करना क्या है। तब भगवान कृष्ण को याद आया, अर्जुन जिस समय द्रौपदी को विवाह कर लेकर आया था, लाकर द्रौपदी को जब खड़ा करा, माता कुंती से कहा, मां देखिए हम क्या लेकर आए, और माता ने कह दिया, 5 वही बांट लो। द्रौपदी ने
अर्जुन से पूछा क्या बात है, अर्जुन ने कहा तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगी। द्रौपदी ने कहा मैं पत्नी बनने को तैयार हूं, पर शर्त एक है, मेरे कक्ष में 1 वर्ष में 1 पति रहेगा, अगर दूसरा पति मेरे कक्ष में अगर आ जाता है तो उसको 5 वर्ष के लिए वन भोगना पड़ेगा। अगर मैं 5 पतियों की पत्नी बन सकती हूं तो थोड़ा संकल्प आपको भी लेना पड़ेगा। अर्जुन ने पांचों से पूछा, पांचों तैयार थे। आज जिस कक्ष में भीम के साथ में द्रौपदी रह रही थी, इतने में एक ब्राह्मण दौड़कर अर्जुन के पास में आए, अर्जुन अर्जुन मेरे पुत्र को सिंह उठाकर ले गया है, मेरे बेटे को बचा ली दी, अर्जुन जल्दी बचाओ। अर्जुन ने कहा मेरा गांडीव कहाँ है, ढूंढते ढूंढते अर्जुन उस गांडीव को लेने के लिए भीम के कमरे में चले गए, भीम के कक्ष में चले गए। और द्रौपदी ने उसी समय पर कह दिया, सुनो अर्जुन तुम भले गांडीव उठाकर ले जाओ और उस ब्राह्मण के बच्चे को बचा लो, पर तुम्हें 5 वर्ष के लिए वन जाना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा मैं स्वीकार करता हूं। 5 वर्ष के लिए अर्जुन बन गए, नागों की कन्या उलूपी के साथ में अर्जुन का विवाह हो गया, एक पुत्र का जन्म हो गया जिसका नाम आरावन था। क्या नाम था? आरावन। पुत्र को जन्म देकर अर्जुन वहीं पर छोड़कर अपने राज्य में आ गए। आज भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन पांडवों में से किसी एक की बलि देना है, तू जब वन में गया था तो तेरा एक बेटा हुआ था, उस बेटे को लिया, बलि उसी की चढ़ाएंगे, जाओ, हे तो पांडवों का ही, जाओ लेकर आओ। आरावन को लेकर आए, आरावन ने कहा पिताजी चिंता मत करो, उसको नहीं मालूम था कि मेरी बलि चढ़ने वाली है, उसको नहीं मालूम था कि मेरी बलि चढ़ जाएगी। आरावन ने कहा पिताजी चिंता मत करो, युद्ध के मैदान में मैं कौरवों को काट काट कर पटक दूंगा, आप क्यों चिंता करते हो। आए आरावन, भगवान कृष्ण मिलने के लिए गए आरावन से। भगवान कृष्ण ने कहा आरावन आपको मालूम है कि क्यों आए हो? आरावन ने कहा मुझे युद्ध लड़ना कौरवों से। आरावन आपको मालूम नहीं आपकी बलि चढ़ना, कौरव और पांडवों में से एक एक बलि जाना है चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए, कौरवों में से एक जा रही है तो पांडवों में से भी एक जाना है, इसलिए आपको लेकर गए हैं, आपकी बलि चढ़ना है। आरावन आपको दुख नहीं होगा? आरावन कहते हैं मैं बलि चढ़ने को तैयार हूं, मरने को तैयार हूं अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, पर बात इतनी सी है मैं कुंवारा हूं, अगर कुंवारा मर गया, मैं कुंवारा हूं पर अगर कुंवारा मर गया तो शिव महापुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मवेत्ता पुराण, ब्रह्म पुराण, सारी पुराणें कहती है कुंवारी अवस्था में अगर कोई मर जाता है तो ना तो उसकी तिलांजलि होती है, ना उसका तर्पण होता है, ना उसका पिंड होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। कोई गया जी में जा जाकर कुंवारी अवस्था वालों का कितना भी पिंडदान कर दे तो भी उसका मोक्ष नहीं होता। कोई ब्राह्मण को कितना भी भोजन करा दे तो भी कुंवारी अवस्था वालों का मोक्ष नहीं होता। कोई बद्रीनारायण में जाकर ब्रह्म कपाली कर दे तो भी कुंवारी अवस्था में मरने वालों की मुक्ति नहीं होती। तो फिर कुंवारी अवस्था में अगर मैं मर जाऊंगा तो मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? इसलिए मेरा एक विनती स्वीकार करोगे? भगवान कृष्ण ने पूछा क्या? आरावन कहता है मेरी शादी कर दो, इसके बाद मेरी बलि चढ़ा दो। भगवान ने मन में विचार करा, कल बलि चढ़ना है, आज ही का दिन बचा है, शादी के लिए लड़की कौन तैयार होगी, फिर भी तैयारी करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन भीम नकुल सहदेव सबसे कहा जाकर ढूंढो कोई लड़की मिल जाए। चारों तरफ ढूंढा पर कोई लड़की नहीं मिली जिससे विवाह करना था। कौन देगा लड़की? जिस पिता को मालूम है कि कल मरने वाला है, बेटी बेधव्य हो जाएगी, कौन देगा? किसी ने बेटी नहीं, किसी ने बेटी नहीं। भगवान कृष्ण ने विचार करा, शंकर भगवान ने कहा था कि पृथ्वी पर जाकर तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा, भगवान कृष्ण आधी रात को किन्नर का रूप रख लिए और आरावण से शादी कर ली है, किन्नर का रूप। भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप धारण करा, आरावण से विवाह करा, इसलिए आज भी किन्नर
मांग में सिंदूर भरते हैं, हाथ में चूड़ी पहनते, पांव में बिछुड़ी पहनते, घर में गले में मंगल सूत्र पहनते। कोई पूछे उनसे कि इनका पति कौन है, तो किन्नरों का विवाह आधी रात को होता है, जैसे भगवान कृष्ण किन्नर वन के विवाह करे थे आरावन से। किन्नरों का विवाह आज भी आरावन से होता है, आधी रात को होता है। रात को होने के बाद उस घड़े से विवाह कर कर घड़े को सुबह फोड़ दिया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण सुबह रात्रि को किन्नर बने और सुबह आरावन की बलि चढ़ गई, इसलिए उस घड़े को फोड़ दिया जाता है। भगवान कृष्ण को भी किन्नर बनना। आप किसी विकलांग पर, आप किसी कमजोर पर, आप किसी बेहन पर अगर हंसते हो, एक जन्म आप भी तैयार रखिए कि आपको उसका लेना पड़ेगा। क्यों हंसो? उसको देखकर तो दुख होना चाहिए कि बेचारे की माना दशा है। अब ये तो भगवान ही जानता है कि किस कारण से व्यक्ति को भोगना पड़ रहा है, ये तो वो दातार दयालु ही जानेगा, भगवान ही जानेगा। कुंवारी अवस्था में मर गया तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। कुंवारी इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भागवत पितरों को तार सकती है, भागवत पितरों को तार देती है, पर शिव महापुराण की कथा केवल एक कथा ऐसी है जो कि आहूतों को तारती। आहूत मतलब कुंवारी अवस्था में जो मर गए, गर्भ में 6 महीने का 8 महीने का 9 महीने का 10 महीने का कोई बच्चा जन्म लेकर कुंवारी अवस्था में, कोई बड़ा होकर जिसका विवाह नहीं हुआ, अधोगति में कोई मर गया, ये शिव महापुराण कुंवारी अवस्था वालों को तार देती है। कहते हैं कि कथा सुनकर जो व्यक्ति निकल कर जाता है शिव महापुराण की कथा सुनकर, उसके शरीर से एक तरंग निकलती है। रस्ते में, मार्ग में जितने भी कुंवारे मर गए हों, एक्सीडेंट में मर गए हों, या किसी के घर के अंदर गर्भ में 6 महीना 8 महीना 9 महीना 10 महीना का कोई बच्चा शांत हो गया हो, वो नारी भी अगर कोई कथा सुनकर जा रहा हो उसका मुख देख लेती है तो उसका दोष समाप्त हो जाता है, और जो कुंवारी अवस्था में मर गया उसका मोक्ष हो जाता है। शिव महापुराण की कथा अधोगति वालों को भी तार देती। आज आप लोग इतनी संख्या में आए हो, बाबा विश्वनाथ की कृपा, महाकाल दादा की दया है, शंभु की कृपा है मेरे शंकर की, वो तारने वाली है, तारण है उसकी कृपा, उसकी दया। और एक बात आपको कहेंगे, आपको तो गौरवान्वित होना चाहिए, माहिल्या की नगरी के हो, यहां से निकल कर जाते हो ना, जितनी दूर तक कदम कदम पढ़ते पढ़ते अपने घर पहुंचते हो ना, शिव महापुराण में ऐसे नहाए हुए होते हो कि घर पर जाकर भी शंकर की ही चर्चा होती है। आप यहां सुनते हो तो परिवार वाले टीवी पर सुनते हो, शिव की ही चर्चा होती है। और कई कई तो ऐसे हैं कि रात्रि को नींद भी नहीं आ रही होगी कि सुबह वापिस जाना है कथा में पहुंचना, और इतने बाहर बाहर से लोग आए हुए हैं इंदौर नगर में। इंदौर के लोग तो हैं ही कथा सुनने में, पर बाहर के भी बहुत लोग आए। कितने लोग जरा बाहर से आए, जरा हाथ उठाओ जो बाहर से आए हुए हैं, हाथ हिलाओ जरा जम जम के। बहुत बढ़िया, बहुत लोग हैं आप लोग, रखो 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 रखो, बहुत बहुत, कई कई दूर से, बहुत, कहीं मुंबई, कहीं पूना, कहीं गुजरात, राजस्थान, सब जगह से भगत लोग आए हुए हैं। अब इंदौर के कितने बैठे हो रहे, जरा हाथ उठाओ। अरे बहुत सारे हो, रख लो रख लो रख लो रख लो रख लो, ढेर सारे रख लो। हर हर शिव उपासना, भगवान शंकर की भक्ति, शिव की आराधना जीव को सुख प्रदान करती है। कुंवारी अवस्था में भी अगर कोई चला गया उसको भी गति प्रदान करती है। महाराज तब भगवान भोलेनाथ ने देखा कि ये दशा गड़बड़ हुई, शिव जी ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया, अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान अर्धनारीश्वर जी पगधार रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे, अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी भी पधारे हुए हैं, पचकोइया वाले महाराज श्री लक्ष्मणदास जी महाराज जी, महामंडलेश्वर जी पधारे हुए हैं, साथ में गुरुदेव
आदरणीय श्री शंकराचार्य जी महाराज श्री पधारे हुए हैं, अपन सब आनंद लें। दो शब्द आशीष वचन गुरुदेव के मुख से आदरणीय जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी के मुखाग्रविंद से श्रवण करेंगे आशीर्वाद के वचन। आप लोग अपनी जगह पर बैठे रहें, पानी थोड़ा सा है तो अंदर की ओर आप लोग आ जाएं, पर गीले ना हों। थोड़ा सा निवेदन रहेगा, सभी लोग अपनी जगह पर आनंद लेते हुए जल में गीले ना हों, आप थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अंदर की ओर प्रवेश करें, थोड़ा थोड़ा अंदर की ओर प्रवेश करें। मेरा निवेदन है माताओं से, बाहर किसी को गीला मत होने दीजिए, और सभी से निवेदन है थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। और आशीर्वचन हमारे बीच में विराजमान जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज जी से श्रवण करें। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गुरुदेव का आशीर्वचन, उसके बाद में आरती। तब तक हमारे बीच में विराजमान आदरणीय विजयवर्गी जी, आदरणीय मेंदोला जी यहाँ पर अर्धनारीश्वर भगवान का पूजन करेंगे, और उसी बीच में हम लोग गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रुति स्मृति पुराणमालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। सत्यम। आप सभी लोग अपनी जगह पर भले खड़े हैं, वाद्यम बाहर पानी आ रहा है, इसका ध्यान रखें। गुरुदेव के मुखाग्रविंद से थे 5 मिनट का आशीर्वचन लेकर उसके बाद आरती करेंगे। आप लोग परेशान ना हो, पानी में कोई भी गीला ना हो, शांतिपूर्वक आप लोग अपने स्थान पर खड़े रहिए। 5 मिनट का सुंदर आशीर्वचन। सत्यम त्रिकाला वाद्यम। सत्य का तीनों काल में कभी भी अभाव नहीं होता है। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूपा शिव और शक्ति का अनुपम संयोग आप सब श्रवण कर रहे हैं। जल की बूंदें भी ऐसे शीत में आपको संतृप्त न कर सके, भगवान मूर्ति के रूप में और भगवान अमूर्त के रूप में लीन मर्थमित लिंगम, जिससे ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है और जिसमें ये सारी सृष्टि समाहित है और लीन हो जाती है। इसलिए माता के रूप में जलप्रिया कही गई है। शिव में शक्ति का संयोग जलप्रिया के रूप में है, इसलिए जलप्रिया जिसको जलाधारी बोलते हैं, वो जलाधारी जलप्रिया है,
इसलिए जहां शिव विराजमान हो और वहां जल वृष्टि होने लग जाए तो ये भी एक शिव और शक्ति का संयोग है आप सबके लिए। वो सत्य सनातन के रूप में आगे आपकी साधना को बढ़ाने वाला हो। प्रदीप जी मिश्र के मुखारविंद से आप सब शिव पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं और मंडोला जी विजय वर्गी जी और उनके समेत साथियों का आप ये पावन आयोजन का आनंद ले रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम सब बोल काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महा हर हर महा हर हर महा। आदरणीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी हमारे बीच में कुछ सुंदर वचन शिव महापुराण में। आप लोग जो पानी में गीले हो रहे हो आपसे निवेदन है जितने लोग भी बाहर खड़े हैं चाहे कुर्सी ओंधी करके खड़े हो चाहे सीधी कर कर खड़े हो थोड़ा सा आप लोग अंदर की ओर आ जाएं गीले ना हो इसका विशेष ध्यान रखें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की ओम नमः शिवाय। परम पूज्यपाद भानेश्वर पीठाधीश के पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। शंकराचार्य साक्षात शंकर का रूप है। जहाँ शिव पुराण हो रहा है वहाँ शंकराचार्य जी आ गए इसका मतलब है भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए हैं। एक तरफ भगवान शिव है एक तरफ अर्धनारेश्वर शिव है और बीच में व्यासपीठ पर शिव भक्त प्रदीप जी हैं। जरा तालियां बजाकर सब अभिनंदन करें। मैं सिर्फ एक आग्रह के लिए आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि यहाँ पर मास्क का वितरण हो रहा है। शासन का निर्देश है कि मुंह पे मास्क लगा कर रखें। आप सबसे आग्रह है यहाँ पर निःशुल्क मास्क वितरण करने के लिए हमारे कार्यकर्ता हैं जो दे रहे हैं कार्यालय पे। आप कार्यालय से मास्क लेकर यहाँ पर बैठें तो शासन के नियमों की पालना होगी क्योंकि शासन ने कहा 200 लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो हमने भी कहा 200 ही लोग हैं बाकी सब भूत प्रेत हैं क्योंकि शिव जी की बारात में तो भूत प्रेत आ जाते हैं। आप क्या कर सकते हो उसके लिए उनको कौन रोक सकता है। वहाँ तो भैया तो 200 ही लोग बाकी सब भूत प्रेत हैं। तो आप मास्क लगाएंगे जब मास्क तो वैसे ही लगेंगे तो इसलिए मास्क लगाएं शासन के नियम का पालन करें ये मैं आपसे ज़रूर आग्रह करूँगा। बोलिए भगवान महाकाल की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आशी जी कथा चल आरती चल करवा। हेलो हेलो। देखिए समय के अभाव के कारण आरती का समय हो चुका है। सुंदर आरती का आनंद हम सभी लेंगे। आप अपने स्थान पर खड़े रहें बाकी सब नीचे से ही आरती का दर्शन करेंगे। माननीय श्री कैलाश जी विजय वर्गीय जी एक और ध्यान देंगे। सभी लोग बेलपत्र के लिए बोल रहे हैं। आदरणीय मेंदोला जी का भी संबोधन सही है कि गुरुदेव बेलपत्र प्रयासरत रहेगी कि बेलपत्र का जो प्रसाद है तो बेलपत्र का जो प्रसाद है वो जो भोजन प्रसाद आपको वितरण हो रहा है पूरी सब्जी आदि उसी के साथ में उसी में रखकर आपको बेलपत्र का पत्र का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। भाव भक्ति से आप लोग उस प्रसाद को ले सकते हैं। हर हर महादेव। और प्रसाद लाइन में लगकर लीजिएगा कोई भी धक्का मुक्की ना करें इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने आपको वर्णन किया है मुख पर मास्क अवश्य लगाएं और
जितने भी लोग कथा में आ रहे हैं, काउंटर लगा हुआ है, कार्यालय लगा हुआ है, आप वहां से मास्क लेकर उसको अपने मुख पर अवश्य लगाएं। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा चतुरानन पहचान दे राजे ओ भोले पहचान राजे हंसासन गरुड़ासन प्रसिवाहन सजे दस बुद्धियत सोहे ओ भोले दस बुद्धियत सोहे तीनों रूप निरखता भोले का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे सोले धरता भोले चक्र सुने धरता जग करता जग हरता जग पालन करता पावत भोग महिमा ते बारे त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई न गावे सुख संपत्ति
प्रति पाला ओ भोले में को यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महाशिव हरे दाके दारा ओ मन हर हर महादेव कनबोर गौरम करना अवतार संसार सारम बुझ गए केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम वादवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे काशी विश्वनाथ भगवान की जय कुबेरेश्वर महादेव की जय जलेन शीतलीकरणम आत्म श्री विठलेश सेवा समिति सीहोर के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय